श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। उद्याने वासिला प्रभु भक्त गण लाए, तबे वाणीनाथ आईला महाप्रसाद लाए। ये वाणीनाथ जी की जो सेवा थी प्रसाद लाने की, तो उसी समय उद्यान में वहाँ पे साथ में गुंडीचा मंदिर के साथ में उद्यान है, उस उद्यान में साथ में उद्यान मतलब पार्क, वहाँ पे वाणीनाथ राय जी सबके लिए महाप्रसाद लेके आए। काशी मिश्र तुलसी पाड़ीचा दुई जन, दो जन है जो श्रीमन महाप्रभु ने नियुक्त किए थे कि महाप्रभु के साथ साथ ही रहें। थोड़ा लंबा समय हो गया, सबको याद करा दूँ। काशी मिश्र जी और एक तुलसी पाड़ीचा, तो तुलसी पाड़ीचा काशी मिश्र दुई जन पंच शत लोक यत कराए भोजन। कितने लोगों का प्रसाद लेके आए वहाँ पे? 500 लोगों का, 500 पंच शत लोक यत, 507 नहीं, 500 लोगों का। तो 500 लोगों का भोजन लेके वो वहाँ पे आए। हालांकि इतने नहीं थे भक्तगण वहाँ पे, लेकिन वो भोजन इतना लेके आए कि जितना 500 भक्त वहाँ पे पा पाए। महाप्रभु और सभी वैष्णवगण जो है उन सबके लिए चौकियाँ थी वहाँ पे, वो उन चौकियों पे बैठे, लाइन में बैठे। उद्यान भरी वैसा भक्त करीते भोजन, वहाँ पे सब लोग बैठ के भोजन के लिए जैसे लाइन में बैठते हैं वैसे वहाँ पे सब बैठ गए। और उसी समय महाप्रभु जोर जोर से हरिदास हरिदास ऐसे कह के पुकारने लगे। अब हरिदास ठाकुर जी वहाँ पे आते नहीं थे, हम लोग जानते हैं कि जब सब लोग होते थे तो हरिदास ठाकुर बीच में नहीं आते थे। भक्त संगे प्रभु करुण प्रसाद अंगीकार, ऐ संगे वासिते योग्य नहीं मुनिचार। हरिदास ठाकुर बोलने लगे, श्रीमन महाप्रभु सब भक्त वहाँ पे प्रसाद पा रहे हैं, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं वहाँ पे सबके बीच बैठ के प्रसाद पा सकूँ आप सबके बीच, इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं हूँ। पाछे मोर, पाछे मतलब पीछे आगे बाद में, पाछे मोर प्रसाद गोविंद देवा बही द्वारे, मन जानी प्रभु पुनः ना बली ले तारे। गोविंद कह रहे हैं कि इसके पीछे जब आप लोग सब पा लोगे तो बाद में गोविंद दिवे बही द्वारे, बार के द्वार से गोविंद मुझे आपका उच्चिष्ट प्रसाद ये सब दे देंगे। उनका मन जान के जब उन्होंने ये बोला तो हरिदास ठाकुर जी का मन जान के, मन जानी प्रभु पुनः ना बोली बता रहे, जब उनका मन जान लिया तो दोबारा फिर उन्होंने नहीं बोला। पुलिन भोजन कृष्ण पूर्वे याइछे कैला, सेई लीला महाप्रभु मने स्मृति हैला। अब महाप्रभु को क्या स्मृति हो रही है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण वन में अपने सखाओं के साथ भोजन पाते थे, पुलिन में यानी वन में अपने सखाओं के साथ भोजन पाते थे, वो स्मृति श्रीमन महाप्रभु को आ रही है कि ऐसे आज हम सब यहाँ बैठ के उद्यान में ही प्रसाद पा रहे हैं। अब महाप्रभु जो सब प्रसाद बांट रहे थे उन सबको महाप्रभु बोलने लगे कि देखो आप जो ये वितरण कर रहे हो इसमें बिल्कुल जो सादी सब्जियां हैं, जैसे जब प्रसाद लगता है तो हम लोगों ने खाया सूखे चावल भी होते हैं, सूखी सब्जी होती है बंगाल में ये सब ओडिशा में, और दाल होती है पीली दाल होती है ये सब होता है, ये सब ऑर्डिनरी जो सब्जियां हैं ये सब आप मुझे देना। जितना भी मीठा है, केक है, मिठाइयाँ हैं, हलवा है, खीर है, ये सब चीज़ें आप मुझे मत देना, मुझे केवल सादी सादी चीज़ें देना। तो जो वितरण कर रहे थे उनको श्रीमन महाप्रभु ने खास बुला के बोला और किसको क्या क्या चाहिए वो सब बताया कि इनको आप ये वाली मिठाई देना, इनको खास करके ये मिठाई देना। नाम ले लेके श्रीमन महाप्रभु सबको बता रहे हैं इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये जरूर देना, इसको ये ज़्यादा देना, ये ज़्यादा देना, ऐसे करके सब भक्तों का नाम ले लेके बता रहे हैं कि किस किस को कौन कौन सी मिठाई पसंद है। और अपने को बोल रहे हैं कि मुझे केवल सादा भोजन ही देना। अब बांटने वाले कौन है? जगदानंद। जगदानंद आप सब जानते हो, जगदानंद जो नहीं जानते बताओ, जगदानंद जो हैं ये हैं तो यहाँ पे महाप्रभु के दास, लेकिन ये सत्य भामा के अवतार हैं, तो ये महाप्रभु के साथ बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। जरा सी कोई बात हुई और ये गुस्सा हो जाते हैं। जैसे एक बारी ये बड़ा सुगंधी तेल लेके आए स्पेशल निकलवा के
ये प्रभु आपके लिए, आप जोर जोर के नृत्य करते हो, गाते हो, कूदते हो, तो आपके जो बदन है उसमें पीड़ा होती होगी, तो मैं रात को इससे आपकी मालिश कर दिया करूँगा। अब महाप्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई मैं सन्यासी हूँ, मैं ऐसे सुगंधी तेल से मालिश वगैरह थोड़े ना करवाऊँगा। महाप्रभु ने मना कर दिया। तो उनके मना करने पे जगदानंद को ऐसा गुस्सा आया, उन्होंने वो घड़ा उठा के वहीं उनके सामने तोड़ दिया। ठीक है, फिर नहीं करना तो फोड़ दो। तो महाप्रभु इनसे थोड़ा डरते थे कि भाई ये गुस्सा हो जाता है। और कुछ महाप्रभु अगर इनको कभी कह देते थे तो ये सब खाना पीना छोड़ के अपने आप को कमरे में बंद कर लेते थे। तो दो दिन तीन दिन बंद है, जब तक महाप्रभु नहीं आके मनाएंगे वो ना खाएंगे ना कुछ करेंगे, अपने आप को बंद कर लेते थे। तो इसीलिए महाप्रभु इनसे थोड़ा इस बात से डरते थे कि अगर इसको बोलूँगा तो ये नाराज हो जाएगा। तो अब डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, वितरण कौन कर रहा है, जगदानंदी प्रसाद बांट रहे हैं और महाप्रभु इन्हें समझा रहे हैं कि मुझे साधारण प्रसाद देने। मगर जगदानंद जब वहाँ पे आए तो उन्होंने सबसे पहले महाप्रभु की प्लेट में सबसे पहले जितनी मिठाई खीर ये सब थोड़ा बहुत उनके हाथ में था वो सब उनकी प्लेट में रख दिया महाप्रभु के। यद्यपि दिले प्रभु तारे करेन रोष, भले चले तबु देन दिले न संतोष। अब यद्यपि प्रभु तारे करेन रोष, अल्ले की प्रभु को बाहर से वो थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं जगदानंद को कि अभी क्या बोल रहा हूँ और ये क्या कर रहा है अभी, तो मतलब बाद में डाल दे कुछ करे, सीधा सबसे पहले मिठाई आके और मैं मिठाई मना कर रहा हूँ कि नहीं चाहिए मुझे सादा चाहिए, और उन्होंने सबसे पहले आके वही डाली। तो ऊपर से तो प्रभु रोष कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने वो सब डाली तो भले चाले तबु देना, मतलब एक तो वो बल से जगदानंद, एक तो थोड़ा जबरदस्ती करके भी वो मना कर रहे हैं तब भी डाल दें, और एक थोड़ी चाल से, चाल क्या चलते हैं कि बोलते हैं जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी ने पाया है, जगन्नाथ जी का उच्चिष्ट है, मना नहीं करते इसको, ऐसे कह के महाप्रभु की प्लेट में वो रख रहे हैं और बल से भी और चाल से भी ऐसे रख रहे हैं। तो महाप्रभु दिले से संतोष, दिल से तो उन पे संतुष्ट हैं लेकिन बाहर से उन्हें रोष कर रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। पुनरअपि सही द्रव्य करे निरीक्षण, तार भय प्रभु किचू करेन भक्षण। अब ये जब डाल गए तो महाप्रभु भी जो हैं तार भय प्रभु किचू करेन भक्षण, उनके भय से उनके डर से कि अभी जगदानंद को कुछ बोल दूंगा ये फिर यहीं ना सब फेंक फूक के चला जाए सबके बीच में, तो इसीलिए उनके भय से महाप्रभु उनके सामने ही खा भी रहे हैं कि ठीक है मैं ये खा रहा हूँ। ना खाई ले जगदानंद करीबे उपवास, तार आगे किचु खान मने इतरास, कि भैया नहीं बोलूंगा कुछ तो हो सकता है ये चले जाए और उपवास करने चला जाए, इस भय से महाप्रभु उनके सामने खा रहे हैं। स्वरूप दमोदर गोस्वामी जो हैं वो भी मिठाई ला रहे हैं, सब ला रहे हैं, अब उन्होंने देखा कि ये रख रहे हैं तो वो भी प्रभु के सामने खड़े हुए और स्वरूप दमोदर भी उनको वो मिठाई दे के जा रहे। स्वरूप दमोदर जानते हो ना, महाप्रभु के पुराने मित्र हैं नवद्वीप से। यही महाप्रसाद अल्प कर आस्वादन, अब वो क्या उनको बोल रहे हैं, ये महाप्रसाद ये क्योंकि महाप्रसाद है ये अल्प, ये थोड़ा सा लेना, आप दाल चावल आप ज़्यादा लेना लेकिन मिठाई थोड़ी सी लेना, तो थोड़ा सा थोड़ा कह के वो उनके रख रहे हैं। देखा जगन्नाथ कैचे करे अछेन भोजन, देखो तो सही जगन्नाथ जी ने कैसा भोजन पाया है, जो जगन्नाथ जी को हमने पवाया सही पवाया नहीं पवाया, इनके लिए ठीक बना नहीं बना, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा महाप्रभु की प्लेट में रख रहे हैं। एता बलि आगे किछु करे समर्पण, तार स्नेह प्रभु किचू करेन भोजन। अब इनके स्नेह के आगे महाप्रभु कह रहे हैं कुछ बोल नहीं पा रहे, और ये जैसे जैसे रख रहे हैं तो आउट ऑफ अफेक्शन महाप्रभु इनसे ले रहे हैं। एई मत दुई जन करे बार बार, विचित्र एई दुई भक्तेर स्नेह व्यवहार। अब बार एक बार दो बार नहीं, बार बार आते हैं, बार बार यही बात करके कुछ और बात करके ये करके जितनी भी मिठाइयाँ थीं वो सारी की सारी एक एक करके महाप्रभु की, जो वो कह रहे थे मुझे नहीं चाहिए वो सारा उन्होंने महाप्रभु की प्लेट में रख दिया। विचित्र एई दूर भक्तेर, ये दो भक्त जो हैं ये विचित्र ही हैं और विचित्र ही इनका स्नेह व्यवहार है। ये अब देखो भक्तों को तो ऐसा होता है ना कि महाप्रभु नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे, ये बैठे हैं ऐसे थोड़ी कि ये दाल चावल खाएंगे और हम मिठाइयाँ खाएंगे, तो सब भक्त भी नहीं पाएंगे अगर ये नहीं पाएंगे, तो इसीलिए सब लोग जा जाके उनको थोड़ा 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 करके सारी मिठाइयाँ उनको दे रहे हैं। केवल मिठाई से मिठाई नहीं है, जितना भी मीठा, बड़े जैसे मीठे चावल लगते हैं जगन्नाथपुरी में है ना, और केक केक भी लगता है और खीर अलग अलग प्रकार के बनती है वो लगती है, तो इस प्रकार से हैं
मालपुआ वगैरह, ये सब बड़ी अलग अलग चीजें लगती हैं, वो सब मिठाई मतलब मीठा, जितनी भी मीठी चीजें हैं, तो ये सब वो महाप्रभु को दिए जा रहे हैं और महाप्रभु भी लिए हैं। दुई भक्तेर स्नेह देखी सार्वभौम हंसे। महाप्रभु के साथ कौन बैठे? सार्वभौम भट्टाचार्य। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो पहली बार देख रहे हैं ये सब। सार्वभौम भट्टाचार्य तो यहाँ से नहीं है ना, वो तो वेदांत वेदांती हैं, तो अभी वो यहाँ आए हैं, प्रेम देख रहे हैं, ये सब करें तो, लेकिन महाप्रभु का सारा प्रेम समझ के भी सार्वभौम भट्टाचार्य की तो अंडरस्टैंडिंग ऐसी है ना कि अगर प्रभु ने कह दिया नहीं मतलब नहीं। सार्वभौम भट्टाचार्य तो ऐसे ही सोचते हैं ना कि गुरु हैं, अगर गुरु ने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य का ऐसा हिसाब था अभी तक मन में, तो इसीलिए दुई भक्तेर स्नेह देखी सार्वभौम हंसे। सार्वभौम स्माइल कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी होता है कि महाप्रभु बोल रहे हैं तो भी उनकी नहीं भी मानी जा रही है। ये भक्तगण जो हैं ये प्रभु की भी नहीं सुन रहे हैं, ऐसा इनका प्रेम है, ये देख के वो बड़े खुश हो रहे हैं। अब ये बात उनकी जो है ना केवल गोपीनाथ आचार्य पहचान पा रहे हैं कि क्यों हंस रहे हैं। गोपीनाथ आचार्य कौन है? उनके जीजू, उनके जिया जी हैं गोपीनाथ आचार्य। ये पहले ही गोपीनाथ आचार्य पुराने भक्त हैं और ये वेदांती हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ये तो भगवान के निराकार स्वरूप का भजन करने वाले थे पहले, तो गोपीनाथ आचार्य जब इन्हें प्रभु के बारे में बताते थे पहले या भक्ति की बातें बताते थे तो वो उनकी सुनती नहीं थे, वो उन्हें अपना वेदांत बताते थे और गोपीनाथ आचार्य को कहते थे कि तू पागल है, ये जैसे हम बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको कि क्या वर्ड यूज़ करते हैं, हाँ फैनेटिक है ये, फैनेटिक हो तुम, किसी भी व्यक्ति को भगवान बोल देते हो, ऐसे करते हो, ऐसे नहीं होते भगवान। भगवान एक शक्ति होती है, ऐसे नहीं आ जाते भगवान की ऐसे चल रहे हैं फिर रहे हैं हमारी तरह उनके हाथ पैर हैं, ऐसे नहीं होता। तो वो उनको बोलते थे तुम लोग फैनेटिक लोग हो, तुम समझोगे नहीं। और वो बहुत उस समय जो है विश्व में दो ही तीन इतने बड़े बड़े वेदांती थे, बहुत बड़े आचार्य थे वेदांत के सार्वभौम भट्टाचार्य। तो गोपीनाथ आचार्य समझाते रहते थे और वो उन्हें चुप करा देते थे कि तुम बस नाचने गाने में इसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम सही वेदांत क्या है वो समझते नहीं हो। तो गोपीनाथ आचार्य और ये क्योंकि ये पुराने हैं तो आपस में मतलब रिश्तेदार हैं, तो गोपीनाथ आचार्य इनको समझ रहे हैं कि ये क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं ना कि ये कैसे थे, इनकी फिलॉसफी कैसी थी, वो ये चीज़ अभी नया नया देख रहे हैं, नहीं तो इन्हें तो बस यही पता है कि गुरु ने बोला नो मीन्स नो, अब वो मना कर रहे हैं और वो सबसे पहली चीज़ मिठाई डाल के जा रहे हैं, एकदम विपरीत भाव कर रहे हैं। तो लेकिन ये प्रेम में ये सब हो रहा है, तो इसको देख के वो हंस रहे हैं और गोपीनाथ आचार्य पहचान रहे। तो गोपीनाथ वहाँ पे आए और बोलते मिठाई के साथ साथ मीठे वचन भी गोपीनाथ वहाँ बोल रहे हैं। वो बोल रहे कहाँ भट्टाचार्य पूर्व जड़ व्यवहार, कहाँ यही प्रेमानंद कर विचार। तो वो गोपीनाथ आचार्य उनको बोल रहे हैं कि देखो सार्वभौम भट्टाचार्य कहाँ पहले इनका कितना अब उस व्यवहार को जो वो अंदर सोच रहे हैं, वो बोल रहे हैं कहाँ ये जड़ व्यवहार आपके अंदर था, उस व्यवहार को जड़ व्यवहार कहाँ यही प्रेमानंद करह विचार। तो जैसे हम लोग अगर किसी को लेके आए तो बाद में बोलते हैं ना अब देख तू कहाँ था, क्या तेरी सोच थी, और अब देख ये प्रेमानंद में क्या तेरे को आनंद मिल रहा है, ऐसा गोपीनाथ आचार्य उनको बता रहे हैं। सार्वभौम कहे आमी तार्किक कुबुद्धि तुम्हार प्रसादे मोर यही संपत सिद्धि, कि मैं तो पहले तार्किक था कुबुद्धि था पर आज तुम्हार प्रसादे, गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं तुम्हारी कृपा से मोर ए संपत सिद्धि, ये मुझे संपत्ति जो है ये मुझे संपत्ति आपकी कृपा से मिली है, गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं। महाप्रभु बिना केह नाही दयामय, काकेर गोड़ करी काकेर गरुड़ करे ऐछे कौन है। महाप्रभु बिना मतलब महाप्रभु के बिना ऐसा कृपालु कौन है, ऐसा दयामय कौन है। महाप्रभु बिना केह नहीं दयामय, ऐसा कोई दयामय नहीं है महाप्रभु के अलावा जिसने काकेर गरुड़ करी मतलब एक कौए को भी गरुड़ बना दिया। कौआ सबसे निकृष्ट पक्षी और गरुड़ सबसे उच्च पक्षी माना जाता है, तो वो कह रहे कहाँ मैं कौआ था और कहाँ मेरे जैसे कौए को भी इन्होंने गरुड़ बना दिया, ऐसा कोई नहीं हो सकता जैसे श्रीमन महाप्रभु, इतने कृपा इतना मर्सीफुल इतना कृपालु कोई नहीं हो सकता। तार्किक श्रृंगाल संगे भ्यू भ्यू करी सेई मुखे एवा सदा कह कृष्ण हरी। पहले मैं कैसे था, पहले मैं श्रृंगाल की तरफ भ्यू भ्यू करता रहता था, मतलब जैसे हम अपनी भाषा में बोले तो पहले मैं
कुत्ते की तरह केवल भौंकता रहता था, ऐसा वो अपने बारे में बोल रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। सेई मुखे एवा सदा कहे कृष्ण हरि, और आज उसी मुख से मैं कृष्ण और हरि का नाम ले पा रहा हूँ। समझ रहे हो कि एक कुत्ता की तरह जो भौंकने वाला है वो भी आज उसके मुख से कृष्ण और हरि निकल रहा है। तो गोपीनाथ आचार्य को बोल रहे हैं, गोपीनाथ आचार्य ने तो हल्के में आके, उन्होंने भी उनका आनंद देख के ही बोला था कि वो मुस्कुरा रहे हैं कि आज देखो आप क्या परमानंद ले रहे हो और कहाँ आप कैसे थे, और वो इसीलिए उनका शुक्रिया कर रहे हैं कि आप ही की कृपा से ऐसा हुआ कि मुझे महाप्रभु मिले, मेरे जैसा कौवा भी गरुड़ बन गया, मेरे जैसा भौंकने वाला भी आज जो है कृष्ण हरि का नाम अपने मुख से उच्चारण कर पा रहा है। प्रभु कहे, अब प्रभु तो ये सब सुन रहे हैं ना साथ में बैठे हुए जो उनकी और गोपीनाथ आचार्य की बात चले। प्रभु कहे पूर्व सिद्ध कृष्ण तुमार प्रीति तोमा संगे आमा सबार हैला कृष्णमति। सार्वभौम को कह रहे हैं सार्वभौम तुम ऐसे नहीं हो कि कौवे थे या भौंकने वाले थे या श्रृंगाल थे, पूर्व सिद्ध कृष्ण तुमार प्रीति, पूर्व जन्मों से तुम्हारी जो है कृष्ण प्रीति है। समझ गए, पहले के जन्मों से आप कृष्ण भक्ति कर पा रहे हो। तोमा संगे आमा सभा हैले कृष्णमति, आपके संग से बल्कि हमारी कृष्णमति हो रही है। सार्वभौम भट्टाचार्य को ऐसा महाप्रभु, ऐसा महाप्रभु का स्वभाव है। भक्त महिमा बढ़ाईते भक्ते सुख देते, महाप्रभु बिना अन्य नाही त्रिजगते। इस त्रिजगत में, इस तीनों जगत में महाप्रभु के जैसा कोई कृपालु नहीं हो सकता जो भक्त की महिमा बढ़ाए और भक्त सुख देते, जो भक्त को भी सुख देना चाहते हैं और अपने आगे भी भक्तों की महिमा बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि वो साक्षात हरि हैं, लेकिन उनको क्या बोल रहे हैं कि आपकी वजह से ही हमारे अंदर भी भक्ति का प्रवेश हो रहा है, आपके अंदर ही हम भी आपकी कृपा से हम लोग कृष्ण कीर्तन कर पा रहे हैं। तबे प्रभु प्रत्येक सब भक्तेर नाम लई देव एल प्रसाद करिया। फिर देखो एक एक, तबे प्रभु प्रत्येक सब भक्तेर नाम लई, सब भक्तों का नाम ले लेके बोल रहे हैं अच्छा अब ये सारा तुमने मुझे दे दिया, अब ये इसको जाके ये वाली चीज दो, इसको जाके मालपुआ खिलाओ, इसको जाके खीर खिलाओ, इसको ये वाला केक खिलाओ, इसको ये वाली चीज खिलाओ, नाम ले लेके सबको बोल रहे हैं कि इन इनको जाके अब ये यही प्रसाद आप दे के आओ। अब जब ये सारी चीज़ें चल रही हैं तो हम कई बारी ये चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं कि नित्यानंद और अद्वैत आचार्य का प्रेम कला शुरू हो जाता है। जब ऐसा होता है ना तो जैसे यहाँ पे भी भक्त करते हैं, जब खाली बैठे तो किसी एक भक्त की खिंचाई करनी शुरू कर दी, दो भक्त की आपस में वो शुरू, तो ऐसे ही प्रेम कला है इनके बीच में, नित्यानंद और अद्वैत आचार्य के बीच में ऐसा होती। तो अद्वैत आचार्य नित्यानंद रहू वहाँ बैठे बैठे, अब वो यहाँ सबको वो प्रसाद बोल रहे हैं, वो बांट रहे हैं सबको जो जो चाहिए, और उधर जोर जोर से लड़ने की आवाज़ आ रही है। तो कौन लड़ाई कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद रहू। अद्वैत कहे अवधूतेर संगे एका पंक्ति भोजन करेलू ना जाने हवे कौन गति। ऐसे मैं, वो अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं, मैं एक ही लाइन में ऐसे अवधूत के साथ बैठा हूँ जिसके आगे पीछे का पता ही नहीं है कि भाई ये कौन है। एक पंक्ति मतलब एक ही लाइन में कहाँ ये बैठा है, और आज मेरा क्या दुर्भाग्य कि आज देखो इसके साथ मैं यहाँ आके बैठ गया हूँ, इसके साथ में भोजन करे लूँ इनके साथ ना जाने हवे कौन गति, इसके बाद पता नहीं मेरी कौन सी गति होगी इनके साथ बैठ के जो मैं भोजन पा रहा हूँ। नाना दोषेर मस्करी यही शास्त्र प्रमाण आमी त गृहस्थ ब्राह्मण आमार दोषास्थान। भैया अब महाप्रभु भी वहाँ पे बैठे पा रहे हैं, सब पा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि भैया सन्यासी तो कहीं भी बैठ के पा सकते हैं, सन्यासी तुम्हारे साथ बैठ के पा रहे हैं इनको कोई दोष नहीं लगेगा, पर मैं तो गृहस्थ ब्राह्मण हूँ। अद्वैत आचार्य जो है ये तो गृहस्थ है ना, तो कह रहे आमी तो गृहस्थ ब्राह्मण आमार दोष स्थान, इनको दोष नहीं लगेगा, सन्यासी तो कहीं भी बैठ के खा ले, मगर गृहस्थ लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ बैठ के खाएं कहाँ बैठ के नहीं खाएं, तो मुझे दोष लगेगा तुम्हारे साथ बैठ के प्रसाद पाने में। ऐसे वो मानो एक प्रेम कला में एक संदेश भी दे रहे हैं, एक शिक्षा भी दे रहे हैं कि जो गृहस्थ होते हैं उन्हें कहीं पे भी बैठ के प्रसाद नहीं पाना चाहिए। जैसे अगर कहीं हम लोग ब्रज में जाएं और हम देखें कि भैया वहाँ पंगत हो रही है, लंगर लगवा हूँ, क्या चलो भूख लग रही है, चलो यहीं बैठ के पा लेते हैं, ऐसे बैठ के पा लें, तो ऐसे भी गृहस्थ भक्तों को मना किया गया है कि कहीं पे भी ऐसे जैसे प्रसाद वितरण हो रहा है आप वहाँ जाके प्रसाद पाने बैठ जाओ, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। ये केवल विरक्त संतों के लिए ही जो धाम में जो पंगत होती है, पंगत बोलते हैं उसे, जिसे हम क्या बोलोगे आप, भंडारा, तो जिसे आप भंडारा बोलते हैं पंगत है,
तो वो पंगत जो होती है वो विरक्त भक्तों के लिए ही होती है, निष्किंचन भक्तों के लिए होती है, जो बिल्कुल समझ गए जिनका कोई कार्य नहीं, मतलब केवल भजन के लिए ही वहाँ पे रह रहे हैं, कार्य मतलब जिनका कोई बिजनेस व्यापार कुछ नहीं है, जो वहाँ पे रह रहे, कार्य तो हमसे बहुत उच्च कर रहे हो लेकिन तो फुल टाइम भजन जो कर रहे हैं और निष्किंचन है, कहीं कोई निष्किंचन मतलब कोई कमाई का स्तोत्र उनके पास नहीं है, ऐसे विरक्त भक्तों के लिए ही वो पंगत होती है। हम लोग जाके पाएं ये उचित नहीं है वहाँ पे। और अगर आप वहाँ कहीं बैठ के पाएं, मान लो आपको न्योता है, इनविटेशन है, कोई आपको वहाँ बुलाते हैं मंदिर में कि भाई आप आओ, आप यहाँ पाओ, तो उपयुक्त दक्षिणा देनी चाहिए वहाँ पे, समझिए। जैसे हम पा रहे हैं तो हमें उपयुक्त रूप से, अगर हम मान लो चार लोग हैं तो कम से कम हमें 100 रुपये के हिसाब से, 200 रुपये के हिसाब से ऐसे पैसा देना चाहिए कि भाई इतना हमने पाया तो इसका हम दें। मतलब हम लोगों को ऐसा सोच के पाना चाहिए कि हम पा रहे हैं तो यहाँ दक्षिणा दे के जाएँ, ऐसा ना हो कि यहाँ से ले जाएँ कुछ, समझ गए। तो कहीं अगर हम पा रहे हैं तो वहाँ दक्षिणा फिर दे के हम लोग पाएँ, ऐसा विधान है जो गृहस्थ भक्त है। नहीं तो क्या होगा, अब लोग अच्छा हमने नहीं दिया और हमने पा लिया तो क्या होगा, तो बोलते हैं फिर आप पाप के भागीदारी बनते हो। वहाँ पे जिसने जैसे जो भी वहाँ भक्त आए, संत आए, जिन्होंने वितरण किया, जिन्होंने भंडारा कराया, जो भी कहा, तो जिस किसी मंशा से अगर उन्होंने करा या कोई उनका गंतव्य था कि भाई इस आशा से मैंने ये करा है, तो अब देखो जैसे मेरा थोड़ा एक शॉर्ट में फिलॉसफी समझा, तो मानो कि मेरा कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं 100 लोगों का भंडारा कर देता हूँ, भगवान कृपा करना मेरा ये कार्य सिद्ध हो जाए। अब जो मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है वो मेरे किसी पाप कारण से ही नहीं हो रहा है, मेरे कोई पिछले पाप हैं जिनके कारण वो बाधा बन रही है, वो कार्य नहीं हो रहा, तो हम भंडारे का क्यों सोचते हैं कि भैया मेरा वो पाप का नाश हो जाएगा अगर मैं करूँगा। अब जब वहाँ आके निष्किंचन भक्त आके, सन्यासी आके, विरक्त भक्त आके, साधक, विरक्त साधक जो है वो आके प्रसाद पाते हैं, तो वो तो विरक्त है, निष्किंचन है, तो उन्हें पवाने से मेरा वो पाप खत्म हो जाता है और उनको भी वो पाप नहीं लगता, क्योंकि वो विरक्त हैं, उनका कर्म है ये यहाँ पे पाना, है ना, उनको उनके गुरु से आदेश है ऐसे है आप पा सकते हो, तो वो पा रहे हैं तो वो उनका बोलते उनको। देखो पाप एक चीज है, ऐसे नहीं हवा है, आपके कर्म है, तो आपके कर्म जो हैं वो ट्रांसफर हुए जिसने प्रसाद पाया, पर क्योंकि वो विरक्त हैं अपने गुरु की आज्ञा से ही पा रहे हैं, तो वो ऊपर जाते 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 उनके गुरु, गुरु से ऊपर भगवान के पास जाके वो कर्म नष्ट हो जाता है, वो पाप नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो परंपरा से ऊपर गया, समझ गए। अगर मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है और मैं वही कार्य कर रहा हूँ और वो कार्य में पाप है, तो वो मेरे गुरु के पास जाएगा वो पाप, मेरे गुरु ने अपने गुरु की मान के दिया है उनके गुरु के पास जाएगा, उनके गुरु ने भी अपने गुरु के आदेश से ही ये इंस्ट्रक्शन है उनके गुरु, ऐसे भगवान के पास चला गया वो पाप और नष्ट हो गया, समझ गए। लेकिन पाप ट्रेवल किया जिसने भी पाया, पर क्योंकि विरक्त को तो आदेश ही है पाने का, तो इसीलिए वो पाप उनके पास रुका नहीं, वो भगवान के पास गया, नष्ट हो गया। गृहस्थ भक्त वहां जाके पाया, उसको आदेश नहीं है पाने का, उसको नहीं पाना चाहिए ऐसे, उसने पा लिया तो क्या हुआ, तो वो पाप आपके पास आ गया, तो वो पता नहीं किस किस का पाप आप लेके आ गए, फ्री में खाया। तो अगर आपने उसकी उपयुक्त दक्षिणा दे दी, तो उपयुक्त दक्षिणा दे दी तो क्या हुआ कि आप भी उसका हिस्सा बन गए भंडारा का, डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना, मैंने खाना खाया लेकिन मैंने भी पैसे दे के भंडारे में योगदान किया, वो मेरा भी पैसा वहाँ पे गया, तो फिर मैंने मैंने पाया, मैंने लिया कुछ नहीं है, समझ गए, मैंने 4 प्लेट खाया लेकिन मैंने इतनी दक्षिणा दी कि मैंने उससे ज़्यादा तो दे के आया, तो जब दे के आया तो वो दक्षिणा के कारण वो पाप मुझे लगेगा नहीं, साइंस समझ गए। तो इसीलिए ये गृहस्थों के लिए ये संदेश है कि आप अपना ही प्रसाद पाओ, लेकिन अगर फ्री का कहीं बट रहा है तो वो भी फ्री में ना लेके दक्षिणा दे के आओ, आपके लिए नहीं है जो वो भंडारा है। खैर, तो यहाँ पे ये एक छोटा सा संदेश भी है जो ये आपस में कह रहे हैं कि भाई अद्वैताचार्य इसलिए कह रहे हैं मैं तो गृहस्थ भक्त हूँ, मुझे तो पाप लग जाएगा तेरे साथ बैठ के खाने का, ऐसे नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं। नित्यानंद कहे तुम ही अद्वैताचार्य अद्वैत सिद्धांत थे बाधे शुद्ध भक्ति कार्य। अरे भैया वो कह रहे हैं तुझे क्या लगेगा, मुझे तुम्हारे साथ बैठ के पाप लगेगा, क्योंकि तुम्हारा तो नाम ही अद्वैत है, अद्वैत के आचार्य हो, तो अद्वैत सिद्धांत ही है तुम्हारा, तो अद्वैत सिद्धांत जो होता है वो
निराकार को मानने वाले, जैसे द्वैत अद्वैत ऐसे होते हैं, तो बोल रहे हैं आपका तो सिद्धांत ही गलत है, आप तो वैसे भी जो है वो निराकार स्वरूप को मानने वाले, आपके नाम से ही पता लगता है, तो आप जैसों के साथ बैठ के तो मेरे जैसे भी अवधूत का भी जो है वो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये कौन है? बोले आप तो आचार्य हैं। उनके आचार्य किन के आचार्य? बोले जो निराकार स्वरूप की विद्या देते हैं, ऐसों के आचार्य बैठ के इनके साथ में पा रहा हूँ। हे ना तुम्हार संगे मोर एकत्र भोजन, ना जानी तुम्हार संगे कैछे है मन। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा मन जो है कितने तरीके से दूषित हो जाएगा तुम्हारे जैसे के साथ प्रसाद पाके। ये नित्यानंद रघु बोल रहे हैं। तो नित्यानंद रघु और अद्वैताचार्य ये अभी इसके डीप मीनिंग में जाएंगे ना, तो एक दूसरे की करते तो तारीफ है, स्तुति करते हैं, लेकिन स्तुति करते करते दिखाते ऐसे हैं जैसे एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। जैसे वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसे के साथ बैठ के तो पता नहीं है मेरे मन का क्या हाल होगा। तो बोलते ये एक प्रकार से स्तुति है कि अद्वैताचार्य के साथ बैठ के अगर भोजन पा लिया तो अब मेरा मन कितना सिद्ध हो जाएगा, लेकिन उनको दिखाए ऐसे रहे हैं निंदा रूप में। तो समझ गए, शब्द जो है ना वो निंदात्मक रूप से बोले जा रहे हैं, मगर अर्थ से वो स्तुति भी होते हैं। तो अर्थ में वो स्तुति है कि आप जैसे के साथ बैठ के अब देखना मेरा मन कैसे, जैसे मैं कहूँ अब देखना मेरे मन में कितना परिवर्तन आ जाएगा इतने बड़े वक्त के साथ बैठ के, लेकिन मैं बोला अब देखना मेरा मन का क्या हाल होगा, कितना परिवर्तन हो जाएगा आपके साथ बैठ के। शब्द तो वही है लेकिन बोला जा रहा है निंदात्मक रूप में। तबे प्रभु सर्व वैष्णेर नाम लई, महाप्रसाद देना महाअमृत सिंचई। महाप्रभु तब भी वो ये बोल रहे हैं, महाप्रभु फिर सब भक्तों का नाम लेके सब भक्तों को प्रसाद जो है वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं। भोजन करी उठी सबे हरि ध्वनि करी। ये सब करते करते आपस में मजाक करते हुए स्तुति करते हुए ये सब करते हुए सब एक समय के बाद जब सबका भोजन पूरा हो गया, भोजन करी उठे सभी हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि करके सब लोग अपने भोजन से उठे। तबे महाप्रभु सब निज भक्त गणे, सभा कारे श्री हस्ते दिले मलाई चंदन। जैसे हमने पहले भी देखा था कि महाप्रभु सब जब प्रसाद हो जाता है तो अपने हाथ से सब भक्तों को चंदन लगा के माला पहना रहे, जैसे हम लोगों ने चर्चा करी थी कि हम भी जब भोग लगाएं तो प्रत्येक ऑफरिंग के बाद हमें भी ऐसा करना चाहिए। तो महाप्रभु भी अपने हाथ से सबको ऐसा करें। महाप्रभु अवशेष गोविंद रखीला धरिया, सेई अन हरिदासे किछु दिला लाई। अब ये जो महाप्रभु का जो प्रसाद उनकी प्लेट में जो थोड़ा सा बच जाता था, जान के महाप्रभु छोड़ते थे, वो गोविंद जो हैं वो ले जाके हरिदास को, हरिदास ठाकुर जी को बाद में दिया करते थे, तो वो ले गए हरिदास ठाकुर के लिए। भक्तगण गोविंद पाश किछु मागी निला, सही प्रसाद अन्न गोविंद आपनी पाइला। जो श्रीमन महाप्रभु ने वो प्रसाद, उनका जो प्रसादी था जो थोड़ा सा छोड़ दिया था, वो थोड़ा थोड़ा जो है गोविंद ने सब भक्तों में भी बांट दिया और बाकी जो है वो गोविंद के लिए वहाँ से ले गए। अब इस दिन सब ने जाके विश्राम किया। अगले दिन महाप्रभु की जो है ये नयन उत्सव होता है और नयन उत्सव के साथ ही रथ यात्रा प्रारंभ होती है। अभी भगवान की रथ यात्रा हुई है, पीछे संडे को हम सब गए थे, तो वही रथ यात्रा का उत्सव अगले दिन है। गुंडीचा मार्जिन हो गया, अब ये सब हो गया, सबने प्रसाद पाया, अब नेक्स्ट डे जो है वो रथ यात्रा है। तो इस रथ यात्रा में भव्य रूप से इस बारी तो जगन्नाथ जी का रथ जो है वो एक दिन दो दिन तीसरे दिन पहुंचा है गुंडीचा। 17 को क्या, 7 सात थी ना, 7 को शुरू हुआ और इस बारी बोल रहे हैं कि बहुत सालों बाद ऐसा आया कि बड़ा अच्छा वो तिथि नक्षत्र अच्छे थे उस टाइम पे, उनकी काफ़ी वो अनुष्ठान होते हैं जगन्नाथ जी के, तो वो अनुष्ठान करते करते वो पूरा दिन व्यतीत हो गया। तो 7 का दिन वो वहीं आ गई, रथ पे ही रहे जगन्नाथ जी। 8 को एक दिन फिर रात को वहाँ वो रहते ही हैं, जो गुंडीचा का जो उद्यान है जिसको क्या बलगंडी उद्यान जो है जहाँ पे ये सब अभी बैठे हैं, ये बलगंडी उद्यान में वहाँ पे जगन्नाथ जी रात को रुकते हैं। वो बड़ा अच्छा दृश्य होता है वहाँ पे जगन्नाथ जी, चलो अभी जब क्रम से आएगा मैं तब बात करूँ। तो जगन्नाथ जी उस दिन रात को ऐसे रुकते हैं कि उस दिन कोई भी भक्त अपने घर से कुछ भी बना के लाए और जगन्नाथ जी को भोग लगाए, है ना। ऐसे तो आप मंदिर में नहीं कर सकते, मंदिर में तो जो जगन्नाथ जी के लिए बन रहा है
बड़ी विधि से बनता है और बड़े सावधानी से बनता है। बनाने वाले अपने मुंह पे कपड़ा बांध के रखते हैं, सिर पे टोपी लगा के रखते हैं, जरा सा भी बाल ना आ जाए, उनकी थूक ना गिर जाए। जब लेके भी जाते हैं तो सब बार लगा दिए जाते हैं, डंडे लगा दिए जाते हैं लकड़ी के, कि कोई हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति बाहर से आए वो उस समय अंदर नहीं जा सकता, दूर से ही रोक दिया जाता है। अभी क्या हो रहा है, अभी जगन्नाथ जी का भोग जा रहा है, तो जब उनका भोग भी जाता है तो आप उसके निकट भी नहीं जा सकते, ऐसे उनका भोग जाता है। इतनी सावधानी से उनका भोग बनता है और भोग लगता है। लेकिन बलगंडी में यहाँ क्या है कि रात को जगन्नाथ जी रथ पे ही बैठे हैं और आप अपने घर से अपनी किचन से जो मर्जी बना के ले जाओ और उनको जाके भोग लगा दो। तो उस दिन कोई सावधानी नहीं, कुछ नहीं, जैसा जो जिसका प्रेम है वो वहाँ जाए लगाए। अन्यथा यहाँ पे जो प्रवेश भी नहीं है बहुत सारे अलग धर्मों का, लेकिन उस समय कोई भी धर्म का हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते। तो एक दिन जगन्नाथ जी, ये दो दिन निकल रथ यात्रा में निकलते ही इसलिए हैं, हालांकि दर्शन तो 9 दिन हो सकते हैं, उसके बाद भी जब गुंडीचा में भी हैं तो गुंडीचा में भी कोई बाधा नहीं है, वहाँ पे भी कोई रुकावट नहीं है, जो मर्जी जाए गुंडीचा में जाके माँ जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकते। तो ये 9-10 दिन जगन्नाथ जी जो रथ यात्रा निकलते हैं, ये इसीलिए निकलती है कि अभी पुरी से जब बाहर आए हैं तो अब हर कोई इनके स्वच्छंद रूप से दर्शन कर सकता है, भोग लगा सकता है, सब कर सकता है। भोग लगाने का रथ यात्रा के दौरान ही, गुंडीचा में फिर आप ये नहीं कर सकते जब मंदिर में प्रवेश हो गया, तो उससे पहले आप जैसे मर्जी। अब जैसे अब रथ यात्रा निकलती है तो हम लोग भी ऐसे जगन्नाथ जी को हाथ पकड़ लेते हैं, उनका वो कर लेते हैं, तो भोग भी लगाया, तो ये सब रथ के दौरान हो सकता है, आगे पीछे ऐसे नहीं संभव है। तो सवेरे श्रीमन महाप्रभु बोलते हैं जल्दी उठ गए, जैसे ऐसा होता है ना कि आप लोगों का भी सुबह सुबह अगर कोई काम हो तो और जल्दी नींद खुल जाती है कि कहीं टाइम निकल ना जाए, ये ना हो जाए इसमें, तो महाप्रभु बोले पहले ही उठ गए, समय से पहले अर्धरात्रि को ही उठ गए, और अर्धरात्रि को उठ के सब लोगों को भी जगा दिया, सारे वैष्णवों को जगा दिया, स्नान इत्यादि कर दिया और वहाँ पे पहुँच गए नयन उत्सव के लिए। उसके बाद वहाँ एक सेरेमनी होती है जब जगन्नाथ जी को लेके जाया जा रहा है, तो जब लेके जाया जाता है, मैं थोड़ा सब जल्दी जल्दी ले रहा हूँ क्योंकि ये सब पहले हम चर्चा कर भी चुके हैं रथ यात्रा की। तो रथ यात्रा में जब जगन्नाथ जी को रथ पे लेके जाया जाता है तो उसको बोलते हैं पांडु विजय। पांडु विजय सेरेमनी है ये, जिसमें इस सेरेमनी मतलब जिसमें जगन्नाथ जी को उठा के लेके जाया जा रहा है, उस सेरेमनी को बोलते हैं पांडु विजय उत्सव। तो पांडु विजय में जगन्नाथ जी को उठा के रथ पे लेके जाया जाता है। ऐसे उठाना जगन्नाथ जी को, ये कार्य केवल वहाँ के उनके दैत का है, जो दैत होते हैं वहाँ पे वो अच्छे खासे तगड़े होते हैं, उनको दैत बोला जाता है। ये दैत कौन है, जब हमने वो नील माधव जी की जो कथा सुनी थी, तो नील माधव जी की सेवा कौन करते थे, शबर जाति के जो थे, विश्ववसु, विश्वरूप नित्यानंद रो के, वो महाप्रभु के भाई का नाम था विश्ववसु। विश्ववसु याद है ना, वो जाते थे नील माधव जी की वहाँ सेवा करते थे, तो विश्ववसु ये शबर जाति के थे, ये नील माधव जी की वहाँ सेवा करते थे। तो विश्ववसु जो हैं, इनके जो परिवार के हैं आगे, उनको ये सेवा मिली थी कि इस समय जब श्री जब जगन्नाथ जी को रथ पे लेके जाना है और फिर वहाँ पे गुंडीचा में बिठाना है और फिर गुंडीचा से वापस लेके आना है और फिर जगन्नाथपुरी में, ये सारा काम दैत करते हैं। ये दैत कौन है, ये विश्ववसु के ही वंशज है, जो उनके मंत्री के विश्व बच्चे, तो हाँ वो उनकी अलग सेवा है। तो विश्ववसु जब उस समय नील माधव जी की सेवा करते थे, तो बाद में विश्ववसु भी रोए कि भैया अब मैं तो एकांत में सेवा करता था तो मैं कर लेता था, वरना तो वो शबर जाति के थे, तो शबर जाति का हूँ, मुझे तो कोई हाथ भी नहीं लगाने देगा, कुछ भी नहीं करने देगा। तो जब जगन्नाथ जी आए तो जगन्नाथ जी ने ये सेवा इनको दे दी थी, विश्ववसु के ही वंशज, आज भी उन्हीं के विश्ववसु के वंशज हैं। जो हम कहते हैं ना जगन्नाथ जी के भीतर, बड़ी सारी चीज़ें मेरे अंदर आ रही है इसलिए मैं अलग अलग तरीके से, जो जगन्नाथ जी के अंदर एक हृदय है, शालिग्राम है, वो शालिग्राम है। अभी लोग बड़ा उल्टा सीधा बोलते हैं कि कृष्ण आए थे तो फिर जब कृष्ण शरीर छोड़ के गए तो उनका शरीर जला दिया था, केवल उनका हार्ट रह गया था, हृदय रह गया था, वो हृदय जगन्नाथ जी के अंदर डाला। ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और बड़े ऑथेंटिक तरीके से आती है, मतलब आप सुनोगे कि बड़े अच्छे अच्छे लोग वेशभूषा में
संत वाले हैं वो लोग ये बोल रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसे होता ही नहीं है कि भगवान आए भगवान के शरीर को जलाया जा रहा है। भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता है, भगवान अंतर ध्यान होते हैं, समझ गए, प्रकट होते हैं। भय प्रकट गोपाला, भय प्रकट कृपाला, तो गोपाल भी प्रकट हुए हैं और श्री रामचंद्र भी कृपा से प्रकट हुए हैं, आते पैदा नहीं होते हैं। आज ये और एक कोई वीडियो दिखा रहे थे, वो कह रहे थे वो भी महाराज जी तो हमारे महाराज जी तो भगवान ही हैं, हमारे महाराज जी पैदा हुए हैं, इंकारनेशन है भगवान के, और माता के गर्भ से पैदा हुए इंकारनेशन है, और उन्हें भी 20-25 साल बाद पता लगा कि मैं भगवान का अवतार हूँ। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ ये सब बनने लग गई हैं इन सब, और ये कृष्ण आए कृष्ण को जलाया जब वो गए, और ये बात सुनने में इतनी गंदी लगती है, और उनका हार्ट रह गया, वो हार्ट जगन्नाथ जी के अंदर, ऐसा नहीं है। जो नील माधव थे, नील माधव अंतर ध्यान हो गए थे जब राजा वहाँ गया था, है ना, ये राजा इंद्रद्युम्न वहाँ गए थे, तो नील माधव अंतर ध्यान, क्योंकि नील माधव ने विश्व वसु को वरदान दिया था कि मेरी सेवा तुम्हारे अलावा कोई नहीं करेगा, प्रेम था विश्व वसु का बहुत, तो विश्व वसु हमेशा डरते थे कि मैं शबर जाति का हूँ, किसी भी दिन कोई भी मेरी सेवा छीन लेगा, तो नील माधव ने उनको वरदान दिया था कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा, है ना, मैं किसी मेरी कोई सेवा नहीं कर पाएगा। अब जब राजा वहाँ पहुँचे तो नील माधव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि उनका उनको वरदान था, और नील माधव जो हैं वो एक शालिग्राम शिला में कन्वर्ट हो गए, समझ गए, जैसे राधा रमण जो है वो शालिग्राम शिला से राधा रमण बन गए, यहाँ नील माधव शालिग्राम बन गए, तो ये शालिग्राम जो है ये जीवित शालिग्राम है, ऐसे तो शालिग्राम सारे जीवित ही होते हैं, भगवान ही है, इनको जीवित शालिग्राम बोला जाता है, मतलब बोले सांस ले रहे हैं ये शालिग्राम जो है, तो ये जगन्नाथ जी के हृदय में है अभी भी, मतलब जो प्रिसाइडिंग डिटीज हैं, जो जगन्नाथ जी के विग्रह हैं उनके भीतर ये शालिग्राम है, और जब कभी 9 साल में 10 साल में जब नवकलेवर होता है उनका, जगन्नाथ जी का जैसे विग्रह चेंज होता है हर 9 साल 10 साल बाद, तो उस साल उस समय बोलते पूरे ओडिशा में अपने आप लाइट चली जाती है, एकदम अंधेरा हो जाता है, और वो ये नव कलेवर जब होता है तो ये शालिग्राम जी फिर नए उनमें जगन्नाथ जी में विराजमान किए जाते हैं। तो समझ गए हो कि डिवाइन है सब, ये वही है नील माधव, ये नील माधव ही वो शालिग्राम बन के आए, क्योंकि नील माधव ही फिर जगन्नाथ जी बन गए, इस रूप में आ गए, यही उनके स्वप्न में आए थे ना इंद्रद्युम्न के, तो इंद्रद्युम्न ने कहा मेरे स्वप्न में आप ऐसे आए थे, तो उन्होंने कहा मैं वही हूँ, तो मैं उसी जगन्नाथ रूप में, लेकिन आप मेरा भजोगे भजन करोगे। तो अब श्रीमन महाप्रभु जो हैं अब सुबह जा रहे हैं वो दर्शन करने के लिए, नयन उत्सव और पांडु विजय सेरेमनी जो है, अद्वैत निताई आदि संगे भक्तगण सुखे महाप्रभु देखे ईश्वर गमन, जो दैत हैं वो सारे उठा के जगन्नाथ जी को लेके जा रहे हैं, दैत वही विश्ववासु के वंशज, इनकी सेवा है इनको, ऐसा जगन्नाथ जी में बड़ा ऐसा है कि जो जगन्नाथ जी की सेवा में लगे हुए हैं, ऐसा बोला जाता है कि जगन्नाथ जी की अगर कोई सेवा कर ले तो 1 साल में वो भगवत धाम चला जाएगा, बस 1 वर्ष सेवा कर ले वो भगवत धाम चला जाएगा। अब सबको वहाँ पे चिंता हुई कि भैया जगन्नाथ जी की सेवा करेगा तो 1 वर्ष में भगवत धाम चला जाएगा, तो यहाँ तो सेवा की नहीं रहेंगे, जगन्नाथ जी की सेवा कैसे चलेगी, जो सेवक आएगा 1 साल में भगवत धाम चला जाएगा। तो अब वो क्या करते हैं, वर्ष में 1 बार जगन्नाथ जी के सारे सेवकों को मच्छी खिलाते हैं, जान के ये अनिवार्य है खाना पड़ेगा, बोले वो कोई तो पाप हो ना आपसे कि आप भगवत धाम ना जाओ, अगर नहीं देंगे तो आप तो भगवत धाम चले जाओगे, तो उनको रोकने के लिए एक एक मच्छी खिलाते हैं कि तुम ये मच्छी खाओ ताकि तुम यहीं रह के जगन्नाथ जी की सेवा कर सको। देखो कैसी अद्भुत सेवा है, जान के एक पाप करा देते हैं, 1 साल में 1 बार, इसीलिए कर पा रहे हैं, नहीं तो भगवत धाम चले जाएंगे, उल्टा है माता जी की जगह, भगवत धाम जो है उल्टा है। हाँ, जगन्नाथ जी के ऑल्टर में एकादशी उल्टी लटकी हुई है, पैर ऊपर सर नीचे, बोले यहाँ एकादशी नहीं रखता कोई, एकादशी को तो उल्टा टांग रखा जगन्नाथ जी ने कि कोई एकादशी नहीं, हम लोगों के लिए नहीं है, प्रेम है वो, प्रेम प्रेम की लीला है वहाँ पे, तो जितने जगन्नाथवासी हैं, जगन्नाथवासी वो नहीं रखते, एकादशी नहीं रखते।
फिर अलग अलग इससे भी भ्रांतियां बन गई, आप जगन्नाथ जी के चावल ले आओ, वो एक बार खा लो, इतना दान दे दो, इतना बोरी कर लो, एक अनुष्ठान कर लो, तो आपको भी एकादशी रखने की जरूरत नहीं, आपकी जिंदगी भर की एकादशियाँ हो गई, ये हो गया, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सब सब बना दिया गया, ये सब नहीं करना, ये सब फंसना मत, कभी जगन्नाथपुरी जाओ कहेंगे इतना अनुष्ठान करा देंगे जिंदगी भर एकादशी छूट जाएगी, ऐसा नहीं है। महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रह के भी रखा है, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जगन्नाथपुरी में रहो तो एकादशी रखने की जरूरत नहीं, ये भी गलत है। श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथपुरी में ही रहे हैं, अपना बाकी का सारा जीवन जगन्नाथपुरी में, और पुरी में रह के भी उन्होंने एकादशी का व्रत रखा है, तो हम लोगों को उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कि एकादशी वैष्णव के लिए अनिवार्य है, उन्हें रखनी है, ठीक है। वहाँ जगन्नाथ जी का एकादशी के साथ अपना प्रेम संबंध है, उनको उन्होंने बोला मेरे भक्त यहाँ नहीं रखेंगे, तो जो जगन्नाथवासी है जैसे ब्रजवासी होते हैं, ऐसे जगन्नाथवासी जो है वो एकादशी का व्रत नहीं रखते, उन्हें छूट है। ब्रजवासियों को बहुत सी छूटें हैं, जगन्नाथवासियों को बहुत सी छूटें हैं, पुरी वासियों को, लेकिन हम लोगों को एकादशी रखनी है, साधक हैं हम, और हमारा ऐसा सौभाग्य भी नहीं है कि हम ऐसी सेवा कर रहे हैं कि हमसे पाप कराया जाए। वहाँ उल्टा है, वहाँ उनके सेवकों से एक बच्चे के लाके पाप कराया जाता है कि भैया कोई एक पाप कर लो तभी तुम यहाँ टिकोगे। तो एक मच्छी एक साल में खिलाते हैं ताकि वो पूरा साल यहीं रहे, भगवत धाम ना चला जाए। हम यहाँ पे रोज रह के जो मुर्गे खा रहे हैं, पता नहीं कितने साल हमने यहाँ फिक्स कर लिया हमने कि यहीं रहेंगे, तो हमें तो पाप काटने ही है। तो हम लोगों के तो जीवन में वैसे इतना पाप हो रहा है, हम उससे उभर रहे हैं, हम ये सब भजन करके वो पाप काट रहे हैं, और उनसे इतना दैविक कार्य हो रहा है जगन्नाथ जी की सेवा करके कि उन्हें एक पाप कराना पड़ता है। जैसे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जोर जोर से हरि नाम लेते थे कि मेरा मन जो है वो भगवत धाम में ना पहुंच जाए, लीला स्मरण में ना चला जाए। रूप गोस्वामी जरा सा नाम लेने बैठते थे लीला स्मरण में पहुंच जाते थे, और नाम लेने का अभ्यास है कि 24 घंटे नाम चलेगा, तो क्या करें लीला स्मरण में चले जाएंगे तो शास्त्र कैसे लिखेंगे लोगों के लिए, तो शास्त्र लिखने के लिए उन्हें जोर जोर से हरि नाम लेना पड़ता था कि मैं यहीं रहूं, मैं लीला में ना चला जाऊं। आप जोर जोर से नाम क्या लेते हो कि भैया मैं यहाँ से मेरा मन हटे, थोड़ा धाम में लगे, थोड़ा भगवान में लगे। हमारी उल्टी स्थिति है अभी, आप ना जाके मच्छी मुच्छी खा लेना कि भैया जगन्नाथ जी के सेवक खाते हैं तो मतलब मैं भी खा लूँ, हमारे तो वैसे ही बहुत पाप है प्लस मच्छी हो जाएगी। तो दैत जो हैं ये सब वहाँ लेके जाते हैं, कटक दैत करे स्कंद अलंबन, कटक दैत धरे श्री पद्मचरण। कुछ दैत जो हैं वो कंधों से जगन्नाथ जी को पकड़ते हैं स्कंद अवलंबन, और कुछ जो हैं वो उनके चरणों से उनको पकड़ के लेके जाते हैं। कटक दैत धरे श्री पद्मचरण, कुछ चरणों से पकड़ रहे हैं, कुछ उनको कंधे से पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ के जगन्नाथ जी को लेके जाते हैं, और कुछ जो हैं उनके वक्ष उनके सॉरी उनके उदर पे वो रस्सी बांधते हैं सिल्क की, वो ऐसे कपड़ा सा बांधते हैं और उनको उठा के लेके जाते हैं। कभी कभी बोलते जगन्नाथ जी इतने हल्के हो जाते हैं कि एक दैत ही उठा के उनको गोदी में लेके चलता बनता है जगन्नाथ जी को, और कभी उनकी लीला हो जाती है तो वो ऐसे इतने भारी हो जाते हैं कि 100-100 दैत लगते हैं साथ में तो भी जगन्नाथ जी उठते नहीं हैं, सारे उठा रहे हैं मिलके। देखो अब ये उसी समय का है कि पेट से भी उनको रस्सी बांध के पकड़ के लेके जा रहे हैं, कंधे से भी उठा के लेके जा रहे हैं, चरण से भी उठा रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी उठते नहीं हैं, इतने भारी हो जाते हैं। और फिर जब वो नहीं उठते हैं तो बोलते हैं जो वृद्ध वहाँ के जो दैत हैं वो आते हैं, वो एक ऐसे उन्होंने छड़ी सी ली होती है, वो छड़ी से मारते हैं जगन्नाथ जी को कि चल चलेगा कैसे नहीं, तो जगन्नाथ जी को छड़ी से मार के भी लेके जाते हैं, डंडी रखी होती है उन्होंने डंडी मारते हैं और गालियाँ देते हैं। हाँ तो एक मेरे को वहाँ के वो बता रहे थे, बोल रहे थे ऐसी ऐसी गालियाँ आपको बता नहीं सकता, जगन्नाथ जी को ऐसी ऐसी गालियाँ पड़ती हैं, हमारी पंजाबी की नहीं वहाँ उन्हीं की देते हैं, अपने मन में ना सोच लेना यही एक वजह देते होंगे, उड़िया में ही वहाँ पे उनको गाली देते हैं, छड़ी मारते हैं, फिर जगन्नाथ जी चलते हैं। तो ऐसे वो वरिष्ठ भी कुछ दैत है जो उनके साथ उनका वात्सल्य प्रेम है जगन्नाथ जी के प्रति, तो जगन्नाथ जी को ऐसे छड़ी मारते गाली देते फिर जगन्नाथ जी चलते हैं।
उच्च दृढ़ तुली सब पाटी स्थाने स्थाने। ये अब यहाँ पे क्या करते हैं, जब जगन्नाथ जी को लेके जाना है तो सीढ़ियों में ना बड़े सारे वो जैसे हमारे तकिए होते हैं ऐसे रुई के बड़े बड़े तकिए पैड जो हैं वो बिछा देते हैं ताकि जगन्नाथ जी को ऐसे जब क्योंकि जगन्नाथ जी बीच में कभी भी भारी हो जाते हैं, बहुत भारी हो जाते हैं अचानक से, एक वेट नहीं है। जैसे नहीं तो डीटीज होते हैं भाई विग्रह हैं मुझे पता है मैं इनको उठा के जा रहा हूँ, अब उठा लिया तो उठा लिया है ना, तो अब इनका पता नहीं अचानक से रास्ते में बहुत भारी हो जाएंगे। तो क्या करते हैं सारी सीढ़ियों पे वो गद्दियाँ बिछा देते हैं रुई की भर के, और उसमें ताकि अगर एकदम से गिरे, एकदम से वजन हो जाए तो उसी पे गिरे, गद्दी पे गिरे, तो उस पे जगन्नाथ जी बैठ जाते हैं ऐसे। तो जब ये लेके जा रहे होते हैं तो उस समय जगन्नाथ जी का वजन बढ़ जाता है, वो उस गद्दी पे आ जाते हैं और फिर गद्दी से जब खींचते हैं तो बोलते ठा 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 करके वो गद्दियाँ फटती हैं और उसमें से रुई उड़ती है। जगन्नाथ जी को इसमें आनंद आता है, ऐसे करके ठक ठक करके वो फटती है और ऐसे जाते हैं, वो ऐसे सीढ़ियों से ऐसे निकलते हुए जा रहे हैं और वो वो पटाखे फूट रहे हैं वहां, रुइयां उड़ रही हैं, ये सब हो रहा है, ऐसे करके लेके जाते हैं। विश्वंभर जगन्नाथे के चली ले पारे आपान इच्छाएं चले करिते विहारे। बोले विश्वंभर जो हैं, जो सारे विश्व के भगवान हैं, जगन्नाथ हैं, इनको कौन चला सकता है, कोई चला सकता है इनको, कोई नहीं चला सकता। आपान इच्छाएं चले करिते विहारे, अपनी इच्छा से ही चलते हैं, अपनी इच्छा से ही विहार करते हैं, अपनी इच्छा से ही रुक जाते हैं। महाप्रभु मणिमा मणिमा करे ध्वनि, मणिमा मणिमा ये वहीं पे उड़िया में ही वहीं पे जगन्नाथ जी में बोला जाता है, जय 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 जैसे करते हैं ऐसे मणिमा मणिमा कर रहे हैं और उनको हरि ध्वनि करते हुए ऐसे लेके जा रहे हैं। तबे प्रताप रुद्र करे आपने सेवन सुवर्ण मंजरी मार्जनी, सुमंद वर्ण मार्जनी लान करे पथ समर्जन। अब ये आज भी प्रथा है वहाँ पे, उस समय जो प्रताप रुद्र राजा है ना, तो वो जब रथ निकलता था तो रथ के आगे झाड़ू लगाते थे, सुवर्ण सोने की झाड़ू थी पीछे से, आगे से तो झाड़ू ही थी, हैंडल सोने का था, तो वो ऐसे सोने की झाड़ू जगन्नाथ जी के आगे जब तक रथ चल रहा है प्रताप रुद्र जी आगे सारा रास्ता झाड़ू से बुहारते थे। कौन है प्रताप रुद्र जी? राजा, जो एक छत्र वहाँ के राजा हैं, वो राजा झाड़ू लेके चल रहा है। आज जो है, आज भी ऐसा होता है, जो उड़ीसा में वहाँ पे जो राजा है ना, जब आप रथ यात्रा चलने लगेगी तो वो आते हैं पालकी में, और गजपति गजपति बोलते हैं, आते हैं वो पालकी में आते हैं और वहाँ उतरते हैं, अब तो रथ के ऊपर चलते हैं, सोने का झाड़ू है ऐसे ऐसे चार बार करते हैं और निकल जाते हैं। अब एक रिचुअल रह गया ये, पहले प्रताप रुद्र के समय ये रिचुअल नहीं था, प्रताप रुद्र ने ये स्टार्ट किया है, उससे पहले कोई रिचुअल नहीं था। प्रताप रुद्र की सेवा करते थे कि रथ चलेगा तो रथ के आगे सारा रास्ता मैं बुहारूंगा झाड़ू से, तो वो ऐसे झाड़ू से बुहारते हुए चलते थे। उनके बाद अब इट्स जस्ट अ रिचुअल, अब राजा आते ही 5 मिनट के लिए, क्योंकि सेफ्टी पर्पज़ भी होगा कुछ होगा, तो बस वो 5 मिनट के लिए आता है, वो सोने का रथ के ऊपर ही झाड़ू ऐसे ऐसे करके चला जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले प्रताप रुद्र लेके चलते थे। चंदन जलेते करे पथ निश्चेन निशेचने तुच्छ सेवा करी वासी राजा सिंहासने। अब वो कह रहे हैं कि देखो राजा भी जो है वो ऐसी तुच्छ सेवा, तुच्छ सेवा मतलब निकृष्ट सेवा राजा कर रहा है, जो चंदन का जो जल है वो भी वो रास्ते में ऐसे खुशबू के लिए रास्ते में स्प्रिंकल कर रहा है जो वहाँ का, और साथ साथ झाड़ू भी लगा रहा है राजा। उत्तम है ही राजा करे तुच्छ सेवन अतेव जगन्नाथेर कृपा भाजन। अब क्योंकि राजा जो है वो ऐसी निकृष्ट सेवा वहाँ कर रहा है तो बोल रहे अब ये अतैव जगन्नाथेर कृपार भाजन, तो जगन्नाथ जी की कृपा का पात्र बन जाता है राजा जब ऐसा करा राजा ने, इतनी निकृष्ट सेवा ले ली कि झाड़ू मैं लगाऊंगा ये सब मैं करूँगा। नहीं तो राजा है, राजा 100 लोग भेज दे, भैया 100 लोग जाओ जगन्नाथ जी के आगे झाड़ू लगाओ, है ना, लेकिन वो खुद झाड़ू लेके वहाँ पे आया। ये बात मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ कि आप समझना, आज ये रिचुअल है ना तो आप कहोगे भाई ये तो रिचुअल है, राजा खुद ही करेगा, इसमें क्या निकृष्ट सेवा है। उस समय कोई रिचुअल नहीं था, उस समय प्रॉपर जैसे कोई झाड़ू मारने वाले सड़क पे होते हैं ऐसे राजा निकलता था और सड़क पे झाड़ू मारता था कि अभी रथ यात्रा यहाँ से निकलनी है तो मैं यहाँ झाड़ू मारूँ। उन्होंने स्टार्ट तो इसी, हाँ तो इसीलिए प्रताप रुद्र ने ही शुरू किया, अब रिचुअल है तो इसीलिए उसको उस समय बहुत बड़ी बात बोली गई, निकृष्ट सेवा मानी गई। आज करने वाले को निकृष्ट सेवा नहीं मानी जाएगी, तो ये आज जो फॉर्मेलिटी हम कर रहे हैं इससे जगन्नाथ जी की कृपा का पात्र नहीं बना जाता, जगन्नाथ जी की कृपा के पात्र वो हैं जिन्होंने ऐसे किया।
महाप्रभु सुख पाइला से सेवा देखी थे, महाप्रभुर कृपा हैला से सेवा है थे। अब जब महाप्रभु ने उनको देखा तो महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए, सुख पाइला से सेवा देखी थे। ऐसी सेवा प्रताप रुद्र की देख के महाप्रभु भी बड़े प्रसन्न हुए कि ये सेवा कर रहे हैं, और ये सेवा करने पर ही महाप्रभु की कृपा भी उन्हें प्राप्त हो गई। महाप्रभुर कृपा हैला से सेवा है थे। और इसी सेवा से प्रताप रुद्र के ऊपर, अभी हमने पिछली बारी चर्चा करी थी ना कि प्रताप रुद्र को दर्शन नहीं दे रहे हैं भगवान, मिल नहीं रहे हैं उनसे, कि ये राजा है, एक सन्यासी राजा से कैसे मिलेगा। लेकिन उनकी ये देख के अब उनके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। एक तो भक्त उनके बारे में बोल रहे हैं, फिर रामानंद राय ने आके उनके बारे में बोला, अब वो उनको देख रहे हैं कि ये कितनी निकृष्ट सेवा ये कर रहे हैं। ऐसे ही भगवान को रिझाया जाता है, गुरु को और भगवान को ऐसे ही रिझाया जाता है। कैसे? उनके आगे आगे आके सेवा करने से नहीं, निकृष्ट सेवा करने से। ऐसे बस हाँ ऐसे ही रिझाया जाता है, ये उनके आगे आगे जाके झाड़ू वाड़ू करो उससे मिल जाएगी, ये नहीं कह रहा हूँ। निकृष्ट सेवा से, जब भक्तगण जो है निकृष्ट सेवा में लगते हैं, जैसे अब यहाँ बैठ गए पढ़ के कथा ले रहे हैं, कोई सेवा थोड़ी है, निकृष्ट सेवा थोड़ी है। निकृष्ट सेवा क्या है कि कोई गुप्त रूप से पीछे से ये चद्दर किसने बिछाई है किसी को पता ही नहीं है, है? ये कौन बिछा रहा है, ये कौन उठाएगा बाद में किसी को पता, ये निकृष्ट सेवा है। ऐसी निकृष्ट सेवाओं से महाप्रभु प्रसन्न होते हैं, ऐसी निकृष्ट सेवाओं से जगन्नाथ जी प्रसन्न होते हैं, है ना। तो ये ऐसी सेवाएं जो हमें पता नहीं लगती, हमारे बैकग्राउंड में हो रही हैं, ऐसी सेवाएं जो सामने आ रही हैं दिख रही हैं, ये उत्तम इतनी नहीं है, जबकि दिखने में ये उत्तम लगती है, है ना। लेकिन उत्तम वो है जो एकदम निकृष्ट है और एकदम छुपी हुई है, पीछे पता ही नहीं है किसी को। तो ऐसी सेवाओं से महाप्रभु भी प्रसन्न होते हैं, ऐसी सेवाओं से जगन्नाथ जी भी प्रसन्न होते हैं। समय कितना हो गया, अभी ले सकता हूँ, हो गया अभी तो, तो रथ की सज्जा देख के जितने वहाँ के जो लोग हैं वो सब चमत्कृत हो रहे हैं। मेरे पास तो बहुत कुछ है क्योंकि 3-4 हफ्ते से कथा हुई नहीं है। यहाँ के रथ की सज्जा देख के जितने लोग हैं वो बड़े चमत्कृत हो रहे हैं। नव हेममय रथ सुमेरु आकार, ऐसा लग रहा है जैसे सोने का पूरा पर्वत चलता हुआ आ रहा है, ऐसा रथ सजा हुआ है और ऐसा रथ सुंदर लग रहा है जो जगन्नाथ जी का रथ है। 3 रथ अलग अलग चलते हैं, सबसे आगे जगन्नाथ जी का, फिर सुभद्रा महारानी और फिर बलदेव जी का रथ चल रहा है। 15 दिन तक बोलते जो भगवान हैं जगन्नाथ जी हैं, ये लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, उनके साथ लीला विहार करते हैं। ये 15 दिन कौन से हैं जो अनवसर होता है, जब स्नान यात्रा हो जाती है। स्नान यात्रा मतलब जिस दिन जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, ये हमने चर्चा करी हुई है ना पहले, स्नान कराया जाता है, स्नान पूर्णिमा होती है, वो पूर्णिमा के दिन उन्हें स्नान कराया जाता है। उसके बाद जगन्नाथ जी को बोलते बुखार हो जाता है, है ना, कोल्ड हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो फिर वो 15 दिन के लिए लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, है ना। वो अनवसर होता है, अनवसर मतलब उन 15 दिन जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं होते, जगन्नाथ जी के दर्शन बंद हो जाते हैं। तो ये 15 दिन जो हैं इसमें जो उनकी सेवा करते हैं, ये उनके वंशज हैं जो आप उनके बता रहे थे, जो उनके मंत्री जो थे इंद्रद्युम्न के, क्या नाम था उनका, विद्यापति जी के जो वंशज हैं वो इस समय सेवा कर रहे होते हैं। और दैत भी होते हैं, जो ये दैत हैं ये भी इस समय सेवा करते हैं वहाँ पे, उनके भी और उनके भी। तो उस समय जो भोग लगाते हैं ना, वो जगन्नाथ जी के वो वाले सेवक नहीं हैं जो पूरा साल जगन्नाथ जी को भोग लगा रहे हैं, उस समय वो दैत और ये विद्यापति जी के जो वंशज हैं ये उस समय सेवा करते हैं उन 15 दिन, उन अनवसर में। जो ये वाले हैं जो हर टाइम कर रहे हैं, इनका अनवसर है, उन लोगों की उस समय लॉटरी लगी हुई है, अभी वो कर रहे हैं। और वो रोज जगन्नाथ जी को दवाई भी पिलाते हैं, औषधि बनाते हैं। तो औषधियाँ बना बना के, जैसे औषधि मतलब ये वाली एलोपैथी नहीं, जैसे दालचीनी की इसकी और गरम कड़वा उनको वो सब, ये सब चीज़ें उनको, हाँ कड़वा बोलते हैं वो, कड़वा तो वो काढ़ा वगैरह ये सब जो हम बोलते हैं, ये वाला, ये अपनी चाय की पत्ती वाला नहीं है, वो मसाले डाल के और वो सब करके वैसा, और लौंग और सिनेमन जो होता है, हाँ दालचीनी, ये सब डाल के उनको कड़वा ये सब पिलाते हैं, सब करते हैं। तो जगन्नाथ जी का वहाँ ऐसे करते हैं कि अभी इनको 15 दिन बुखार है, और ऐसे भी कहते हैं कि ये 15 दिन जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं,
जैसे अभी तो यहाँ अपने भाई बहन के साथ है, बलदेव और सुभद्रा के साथ पूरा साल, तो 15 दिन लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। इसीलिए फिर जब वहाँ गुंडीचा में रहते हैं वापस नहीं आते हैं तो आखिरी दिन लक्ष्मी जी का रथ जाता है वहाँ पे, और लक्ष्मी जी का रथ जो है वो जगन्नाथ जी का रथ तोड़ देते हैं उनके सेवक जो थे, वो आगे आएगा जब विपरी वापस आते हैं। तो लक्ष्मी जी को गुस्सा आता है कि इतने दिन से गए हुए वापस नहीं आ रही है, तो वो गुस्से में जाती है लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी के जो सेवक होते हैं वो जगन्नाथ जी के सेवक को मारते हैं, मतलब ऐसे प्रेम में ऐसा होता है कि वो अभी भी होता है ऐसे लीला रूप में, वो उनका थोड़ा सा रथ तोड़ आते हैं, जिस रथ में अभी जगन्नाथ जी गए हैं थोड़ा सा तोड़ देंगे ये रथ जगन्नाथ जी का, मगर वापस आने लायक रहता है, तो वापस आएंगे। रबड़ का नहीं होता वरना पंचर हो जाता। तो अब फिर 15 दिन बाद लक्ष्मी जी की परमिशन लेके जगन्नाथ जी आते हैं रथ पे, और रथ पे चलते हैं, और बड़ा सुंदर वहाँ पे वातावरण होता है। आसपास जो है वो सफ़ेद रंग की बालू और ये सब से सजाया जाता है, ऐसे बना दिया जाता है कि जैसे यमुना है, तो यमुना पुलिन जो है वो साथ में साइड में बना दिया, एकदम गार्डन भी हैं साथ में कि वृंदावन जैसी फील आए। तो ऐसे ही है ना कि जैसे ये भी एक मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण आ गए थे वृंदावन छोड़ के, तो ये माना जाता है कि अब ये वहाँ से कुरुक्षेत्र से वापस वृंदावन जा रहे हैं, पुरी टू गुंडीचा, ऐसा माना जाता है कि ये कुरुक्षेत्र से वृंदावन जा रहे हैं, ऐसा वैष्णव भाव रखते हैं। इसीलिए वैष्णवगण जब विपरीत यात्रा होती है, जब वापस आते हैं, उसमें कोई वैष्णवगण नहीं जाता, पार्टिसिपेट नहीं करता। आप देखते हो ना, जब ये नीलाचल से सुंदराचल जब जा रहे हैं तो सब भक्त कितना वहाँ पे, दो दो लाख, पाँच पाँच लाख आदमी वहाँ पे पहुँच गया, 10 लाख आदमी वहाँ पे पहुँच गया, लेकिन जब वापस आते हैं तो कोई नहीं, कोई वैष्णव नहीं होता, क्योंकि अभी तो फिर वृंदावन से वापस जा रहे हैं, तो उस समय कोई नहीं आता। तो वहाँ के लोग होते हैं, जगन्नाथ जी के लोग होते हैं वैष्णव जो होते हैं। बाबा ने एक जगह अपनी कथा में बोला, बाबा बोले वो तो वहाँ रहते हैं गुंडीचा में, दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, आखिरी दिन से एक दिन पहले वो अपनी अपनी टिकट करा के वापस आ जाते हैं, वो वहाँ नहीं रुकते उस समय जो है। तो अभी तो जा रहे हैं जगन्नाथ जी, अभी तो चल रहे हैं। तो रथे चढ़ी जगन्नाथ कौरिलो गमन, दुई पार्श्वे देखी चले आनंद तमन, उनका मन जो है वो आनंदित हो जाता है जगन्नाथ जी के, जगन्नाथ जी के लिए ही आसपास वो बालू लगाते हैं और ये सब करते हैं कि उन्हें एकदम ऐसे ही फील आए कि जैसे वृंदावन है, तो वो उधर देखते हुए खुश होते हैं। जो रथ खींचने वाले होते हैं उन्हें गौड़ बोलते हैं, गौड़, ये गौड़ जो है ये रथ खींचने वाले होते हैं, ये अलग है जो जगन्नाथ जी के रथ खींचेंगे, ये वहाँ पे आते हैं, फिर जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सब रथ ताय करिया आनंद, शने शीघ्र चले रथ शने चले मंद, कभी रथ जो है वो बड़ी शीघ्रता से चलने लगता है और कभी मंद गति होती है, कभी एकदम, और कभी कभी हम देखते हैं कि कहीं कहीं स्थानों पे रथ रुक जाता है, फिर उस समय बहुत खींचा जाए तब भी रथ नहीं चलता। वही रथ जो अभी इतनी तेजी से चल रहा है वही रथ हम देखते हैं। ये सब जगन्नाथपुरी की ही अनूठी लीलाएं, ये और कहीं नहीं होती, वहाँ चमत्कार साधारण है, समझ रहे हो कैसा चमत्कार है। अभी तो रथ चल रहा है, कभी जगन्नाथ जी को उठा रहे हैं वो बहुत हल्के हैं, कभी जगन्नाथ जी अपने आप से नीचे गिर रहे हैं, इस बार ही बता रहे थे गुंडीचा में लेते जाते हुए बलदेव जी गिर गए, तो ऐसे नहीं बलदेव जी गिर गए उनके हाथ से छूट गए, बलदेव जी भारी हो जाते हैं, ये लीला है। ये हम लोग वो सनसनी की तरह न्यूज़ें सुनते हैं ना आजकल, तो इसलिए ऐसे ओहो इस बारी तो बलदेव जी गिर गए, बलदेव जी बहुत गुस्सा है, इस बार ये हुआ है वो, कुछ नहीं है, अपशकुन नहीं है, गुस्सा नहीं है बलदेव जी। यहाँ देखो बार बार बोलते हैं जगन्नाथ जी वहाँ नीचे आ जाते हैं, वो उनके तकिए फाड़ देते हैं, ऐसे खींच के लेके जाए, ये लीला है। तो बलदेव जी भी लीला कर रहे हैं, भारी हो गए अचानक इतने, वरना दैत जो होते हैं ऐसे नहीं हो सकता कि उनके हाथ से छूट गए, ये मन्नू माता जी थोड़ी लेके जा रही है छूट गए, तो वो दैत लेके जा रहे, छूट नहीं सकते वो लेकिन बलदेव जी हैं, वो तो बलराम हैं, इतने भारी हो जाते हैं वो कि फिर उसके बाद उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो बैठ गए वहाँ पे। तो कई जगह जाके जैसे सालबेग जी की समाधि है, सालबेग जी की कथा सबको पता है, सबको याद है सालबेग जी की, तो वो सालबेग जी की जब समाधि आती है तो वहाँ पे हैं सालबेग जी, मैं जल्दी जल्दी से बताया तो 5 मिनट में, सालबेग जी के पिता से शुरू करते हैं, लाल बेग जी लाल बेग जी जो हैं ये मुस्लिम थे लाल बेग, तो ये जो हैं वहाँ उस समय मुगल के मंत्री थे,
उन्होंने इनको जगन्नाथपुरी भेजा था किसी कार्य से कि भाई वहाँ जाओ, वहाँ सब देख के आओ कैसा है ये सब है, हम वहाँ पे अपने अंडर कर लेंगे जगन्नाथपुरी को। तो ये देखने आए तो वहाँ पे घोड़े पे आए, वहाँ सब बहुत सारे सिपाही वगैरह ये थे। अब ये मुगलों के सिपाही थे, ऐसे ही होते थे। वहाँ पे इन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कन्या है, बड़ी सुंदर है, तो लाल बेग जी उठा के उसे अपने घोड़े पे लेके चल दिए कि इससे शादी करूँगा। वो ब्राह्मण कन्या का पहले विवाह हो चुका था और उनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो ये ब्राह्मण कन्या को उठा के ले आए और लाल बेग जी ने उनसे विवाह कर लिया, शादी कर ली। तो उन ब्राह्मण कन्या और लाल बेग जी से संतान की उत्पत्ति हुई, साल बेग जी। लाल बेग जी युद्ध में मारे गए, तो जब ये युद्ध में मारे गए तो साल बेग जी को, ऐसा होता है ना, एक सिपाही जब मारा जाता है तो उसके बेटे को भी सिपाही की नौकरी मिल जाती है, सैनिक की नौकरी मिल जाती है, तो साल बेग जी को सैनिक बना दिया गया उस समय। ठीक है, तो साल बेग जी सैनिक बन गए, लाल बेग जी चले गए। अब जो इनकी माता थी वो तो ब्राह्मण थी, वो ब्राह्मण कन्या जो है वो लाल बेग जी के इन्फ्लुएंस में तो मुस्लिम बन के ही रहती थी, लेकिन जब लाल बेग जी चले गए तो उन्होंने फिर वापस हिंदू धर्म से ही पूजा अर्चना करनी प्रारंभ कर दी और जगन्नाथ जी की पूजा करती थी। साल बेग जी एक बारी लड़ाई में गए और उनकी लड़ाई में उनके माथे पे तलवार लग गई साल बेग जी के, और यहाँ बहुत गहरा घाव हो गया, और ऐसा घाव हो गया कि उस समय उसका उपचार नहीं हो रहा था। तो साल बेग जी को मिलिट्री से निकाल दिया गया, जो उनकी फौज थी मुगलों की वहाँ से उनको निकाल दिया, निष्कासित कर दिया कि भैया ये तो ऐसे सिपाही नहीं चाहिए, ऐसे सिपाही नहीं चलते। तो साल बेग जी परेशान भी रहने लगे, अनएम्प्लॉयड भी हो गए और उनके घाव भी था यहाँ पे, तो उसके कारण ये घर पे रहने लगे। इनकी माता की जगन्नाथ जी में श्रद्धा थी, अब ये शुरू से मुस्लिम धर्म से ही बड़े हुए थे, लेकिन इनको सब उनकी माता ने बताया कि देखो चाहे हम किसी भी धर्म के हो लेकिन जगन्नाथ जी तो जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ जी तो जगत के नाथ है। और जगन्नाथपुरी में भी ऐसा ही है, जगन्नाथपुरी में कोई भी किसी भी धर्म का हो लेकिन जगन्नाथ जी सर्वोपरि है, जगन्नाथ जी तो भगवान है, जगन्नाथ जी है वहाँ पे, है ना, वहाँ सब उनका प्रसाद खाते हैं चाहे कोई किसी भी धर्म का हो। तो साल बेग जी को उन्होंने बोला कि तुम जगन्नाथ जी की पूजा करो, अर्चना करो, सेवा करो। उन्होंने कहा कहाँ है विग्रह किनकी, क्या, क्योंकि मुस्लिम धर्म में कोई विग्रह नहीं होता है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है, आप मानसिक रूप से जगन्नाथ जी की सेवा करो, मानसिक रूप से जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो, कुछ दो तीन मंत्र वगैरह बता दिए, आप ऐसे करो और जगन्नाथ जी आपका ये सब ठीक कर देंगे, घाव भी ठीक कर देंगे, जीवन भी ठीक कर देंगे सारा। साल बेग जी बोले, उनको लगाने लगे मन में ही, ध्यान लगाने लगे, सब करने लगे, करते 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 करते, अब जैसे जिनका रोज ध्यान लगाएंगे, थोड़ी आकृति उनके बारे में बताएंगे, ये करेंगे, तो धीरे 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 साल बेग जी की अटैचमेंट हो गई एक, कि भाई किसी भी एक मूर्त से अगर हम कर रहे हैं अपने मन में कोई कल्पना करके, लेकिन एक क्या उनका रूप है ये इनको पता ही नहीं था साल बेग जी को कि किस रूप का मैं कल्पना करूं। तो एक बारी साल बेग जी को स्वप्न हुआ, सपना आया, सपने में इनको जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए। तो जैसे ही जगन्नाथ जी इनके स्वप्न में आए तो इन्होंने कहा कि तू मेरी पूजा करता है, मैं जगन्नाथ हूँ और मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। तो जैसे ही इन्होंने बोला मैं बहुत प्रसन्न हूँ, अब साल बेग जी को तो ऐसे था कि मैं तो मुस्लिम धर्म का हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, नीच हूँ, आप क्यों आ गए। तो वो सपने में भी जगन्नाथ जी को यही बोल रहे थे कि आप क्यों आ गए मेरे सपने में, आप दूर हो जाओ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मैं आपकी पूजा नहीं कर सकता। वहाँ इन्हें पता था कि जगन्नाथ जी में भी प्रवेश नहीं मिलेगा मुझे पुरी में, तो ये वहाँ जाते भी नहीं थे। अब स्वप्न में भी आया तो इनकी कॉन्शियसनेस वही थी, तो इन्होंने कहा आप दूर हो जाओ, आप मेरे स्वप्न में मत आओ, आप गंदे हो जाओगे, मैं नीच जाति का हूँ, आप मेरे पास मत आओ, ये करो। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, तुम मेरे बहुत अच्छे भक्त हो, तुम मुझे इतने प्रेम से रोज मेरा ध्यान करने का प्रयास करते हो, मुझे याद करते हो, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और जो ये तुम्हारा घाव है ना, इसके लिए मैंने तुम्हारे सराहने की विभूति रख दी है, वो विभूति तुम अपने माथे पर लगा लेना, तुम्हारा घाव भर जाएगा। अब साल बेग जी का स्वप्न था, जब सुबह उठे तो इन्हें स्वप्न याद था, इन्होंने साथ में देखा तो सच में विभूति पड़ी हुई थी। तो ये बड़े हैरान हुए कि सच में वो स्वप्न सच ही था, वो जगन्नाथ जी थे जो मेरे स्वप्न में आए थे। इन्होंने वो विभूति लेके अपने माथे पे लगाई, और जो ही अपने माथे पे लगाई तो इनका वो घाव सारा ख़त्म हो गया और बिल्कुल ठीक हो गए। अब ये इन्होंने अपनी माता को बताया और अब बड़े ललायित हुए कि मेरे को अब तो जगन्नाथ जी से मिलना है।
तो इनकी माता ने बताया कि देखो अब कुछ दिन बाद ही जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली है, तो बड़े अच्छे अवसर पे जगन्नाथ जी ने तुम्हें स्वप्न दिया है, अब तुम जाओ और उनकी रथ यात्रा पे तो कोई भी सम्मिलित हो सकता है, कोई भी मिल सकता है, अब तुम्हें आदेश लेने की जरूरत नहीं है, मंदिर के अंदर प्रवेश मिलेगा नहीं मिलेगा, वो रथ पे आएंगे और तुम जाके उनके दर्शन करना। सालभोग जी बड़े प्रसन्न हुए कि ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब वो निकले, गाँव काफ़ी दूर था सालभोग जी का, वो निकले तो पैदल चले कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के दर्शन करूँगा। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन आ गया, जगन्नाथ जी रथ पे बैठे, और रथ पे बैठ के रथ चला तो थोड़ी सी आगे जाके रथ रुक गया, सब लोग बड़ी तेजी से खींच रहे हैं, रथ खींच ही नहीं रहा है। राजा ने उस समय जो आदेश दिया कि हाथी और घोड़े मंगाए जाएं और हाथी और घोड़ों को रस्सी बांध के रथ खिंचवाया जाए। अब कई हाथी और घोड़े आके उनके पेट से रस्सी बांधी रथ की, तब भी रथ ना चले, तो उन्होंने कहा मनुष्य तो क्या ही खींच पाएगा भैया, हाथी घोड़े नहीं खींच पा रहे, क्या हो गया। अब जितने जो दैत्य थे, जो भगवान के सेवक थे, उनको बोला कि भाई जाओ जगन्नाथ जी की प्रार्थना करो, अर्चना करो, पूजा करो, क्यों नहीं चल रहा है रथ। तो उन सब ने जो है जगन्नाथ जी की पूजा करी, अर्चना करी, जगन्नाथ जी से पूछा जगन्नाथ जी क्यों नहीं चल रहे हो, ऐसा क्या हमसे, जैसे हम लोग अभी ये बोलते हैं ना कि भैया कोई अनिष्ट हो गया होगा, कुछ हो गया, उन्होंने कहा कुछ हमसे गड़बड़ हो गई, जगन्नाथ जी क्यों नहीं चल रहे हैं। तो जगन्नाथ जी ने अपने एक सेवक को बताया कि मेरा एक भक्त सालभोग है, वो आ रहा है, यहाँ पहुँच नहीं पाया है, तो अभी बिल्कुल कटक पे ही वो पहुँचा है वहाँ पे, उसको जाके लेके आओ, जब वो आएगा तब मैं चलूँगा। वो सबको समझ में आई कि भैया कौन ऐसा परम भक्त है सालभोग जिसके ना आने से जगन्नाथ जी चल ही नहीं रहे हैं, अपना रथ नहीं ले रहे हैं। राजा को बताया, राजा ने अपने बहुत सारे सैनिकों को भेजा फूलों के हार के साथ कि भैया जाओ बग्गी लेके जाओ, ऐसा कौन महान भक्त है जिसको जगन्नाथ जी ऐसे पुकार रहे हैं, उसके बिना रथ नहीं चल रहा है। और वहाँ बग्गी झग्गी लेके, फूलों के हार लेके, घोड़े हाथी सब लेके पहुँचे, सालभोग सब ढूंढ रहे हैं। सालभोग को लगा भैया गया, ये इतने सारे सैनिक राजा ने भेज दिए, पता लग गया होगा कि मैं विधर्मी जो हूँ, मैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहा हूँ, और उन्होंने भेज दिया मुझे मरवाने के लिए। सालभोग जी अब भयभीत हो गए, अब भयभीत में भी क्या करते, क्योंकि सारी तरफ से उन्हें घेर लिया, सालभोग कौन है, सालभोग भैया, उन्होंने कहा मैं ही हूँ। बड़े डरते हुए सालभोग ने कहा मैं हूँ, जैसे ही उन्होंने बोला कि मैं हूँ, ओ भैया फूलों के हार ये वो सब सालभोग जी में चढ़ाए जा रहे थे। सालभोग जी हैरान हो गए, क्या हो रहा है, ये बलि चढ़ाएंगे मेरी, शायद हार वार चढ़ा के काट दिया जाता है। वो बड़े भयभीत थे कि ये क्या हो रहा है। इतने में उन्हें उठा के बग्गी में बिताया गया, बग्गी में लेके जा रहे हैं। सालभोग जी सोच रहे पता नहीं आज क्या होगा। वहाँ पहुँचे, बोले जैसे ही वहाँ पहुँचे तो सब भक्त आ गए कि चलो 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 रथ पे चलो, जगन्नाथ जी के रथ पे चलो। वो हैरान हो गए कि ऐसे कैसे कि मुझे जगन्नाथ जी, और जो ही जगन्नाथ जी को देखा तो देखते ही विस्मृत हो गए, यही तो हैं जो मेरे स्वप्न में आए थे, हाँ यही हैं, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं तो यही है जो मेरे स्वप्न में आए थे। अरे ये जगन्नाथ जी तो, बोले आपके स्वप्न में क्या आए थे, यहाँ सबको साक्षात आदेश दिया उन्होंने कि सालभोग को बुलाओ। सालभोग जी बोले ऐसी प्रसन्नता उनके हृदय में हुई जगन्नाथ जी को देख के, जो ही उन्होंने उस समय जगन्नाथ जी को प्रणाम किया और अपना शरीर छोड़ दिया। जगन्नाथ जी ने वहीं जगन्नाथ जी को प्रणाम कर दिया, वहीं उसी समय जगन्नाथ जी की उसी स्थान पर जगन्नाथ जी की समाधि बनाई गई, जहाँ वो लिखा सालभोग जी की समाधि बनाई गई वहाँ पे, जगन्नाथ जी के जहाँ रथ रुका हुआ था वहीं पे सालभोग जी की समाधि बनाई। तो अभी भी बोलते जब जगन्नाथ जी का रथ चलता है तो सालभोग जी की जहाँ समाधि आती है वहाँ रथ रुकता है, सालभोग जी को जगन्नाथ जी का प्रसादी हार वगैरह चढ़ाते हैं और फिर जगन्नाथ जी जो है वो वहाँ से चलते हैं, सालभोग जी की भी जय जयकार वहाँ पे होती है। ऐसे भक्त सालभोग जी जो है, तो जगन्नाथ जी का रथ इन इन कारणों से रुक जाता है बीच में। एक बार ऐसे ही एक और भक्त थे, उनका नाम था बलराम दास। ये बलराम दास जी जो है ये जगन्नाथ जी के सेवक ही थे। इनकी क्या सेवा थी, जगन्नाथ जी को राग सुनाया करते थे गा के। तो और जगन्नाथ जी को जब ये राग सुनाते थे ना तो बोल रहे जगन्नाथ जी ऐसे बैठे हुए ऐसे ऐसे हिलने लगते थे, ऐसे हिल रहे, नाच नृत्य कर रहे हैं। तो सब लोग बड़े हैरान होते थे कि ये बलराम कैसा ये राग गाता है, क्या करता है कि साक्षात हरि साक्षात जगन्नाथ जी जो हैं वो नृत्य करते हैं ऐसे इनके। और जैसे ही वो बंद करते तो वो रुक जाते, ऐसे भी नहीं है कि भाई बाई चांस हो रहा है। अब रोज का ये है कि बलराम जब गा रहे हैं तो जगन्नाथ जी नृत्य कर रहे हैं, और जो ही बलराम रोकते हैं तो जगन्नाथ जी स्थिर हो जाते हैं।
तो सब लोगों ने कहा भैया तुम तो रोज आके जगन्नाथ जी को सुनाया करो। अब ऐसे सेवक की तो जय जयकार हो रही। एक बारी क्या हुआ, वहां पे जगन्नाथ जी के वहां एक वेश्या ने आके बलराम जी के ये राग पे नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। गाते तो बहुत सुंदर थे, जब बलराम जी वो जगन्नाथ जी नृत्य कर रहे हैं तो क्या होगा। तो वो वेश्या जो है वो नृत्य करने लगी, बलराम जी की नज़र पड़ी उस वेश्या पे, तो इन्हें भी बड़ा अच्छा लगा। बड़ी सुंदर थी वो, कि इतनी सुंदर स्त्री ऐसे मेरे राग पे कर रही है। तो इन्होंने वो राग जो है अब जगन्नाथ जी का सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी उसके नृत्य को देख के उसके लिए करने लग गए कि और ऐसा करूँ कि ये खुश हो जाए, ये डांस करे। अब ये दो दिन चार दिन पाँच दिन जब ऐसा हुआ तो जगन्नाथ जी ने नृत्य करना बंद कर दिया। उन्होंने कहा भैया मेरे नृत्य के लिए तो हो नहीं रहा है राग, अब तो इसके नृत्य के लिए हो रहा है। अब वो वेश्या भी रोज आके वहाँ नृत्य करे और बलराम जी भी ऐसे ऐसे राग गाए कि वो और प्रसन्नचित हुए। अब लोगों को भी समझ में आ गया, लोगों ने कहा भैया इनका तो कोई चक्कर लग रहा है, ये उन्हीं को देख के गाते हैं, ये सब करते हैं। जब हवा ज़्यादा फैली तो भैया वो जब लोग भी नाम जोड़ देते हैं तो वो भी जुड़ गए। अब वो वेश्या के साथ ही रहने लग गए। जब वेश्या के साथ रहने लग गए कुछ दिन बीते, अब वहाँ भी गाना बंद हो गया जगन्नाथ जी के लिए। अब उन्होंने कहा जगन्नाथ जी भी नृत्य नहीं कर रहे हैं तो, और वेश्या नृत्य कर रही है, तो वेश्या के साथ ही बोले वो रहना प्रारंभ कर दिया बलराम दास जी ने। कुछ कुछ समय के बाद एक दिन रथ यात्रा आई। यही अब ये रथ यात्रा आई तो उस दिन बलराम जी, जब ये बलराम दास जी सुबह जागे तो बलराम दास जी को ऐसे चेतना हुई कि मेरी कितनी दुर्गति हो गई, आज देखो रथ यात्रा है और मुझे पता भी नहीं था, शोरगुल से और उससे पता लग रहा है कि मुझे आज रथ यात्रा थी, मेरी कैसी दुर्गति हो गई। थोड़े दिन बाद होश आता है ना, पहले तो आदमी मद में हो जाता है, फिर उसके बाद जब होश आया तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे 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 राग से साक्षात जगन्नाथ नृत्य करते थे, मैं उनको छोड़ के ही वेश्या का नृत्य करवा रहा हूँ, ये वेश्या तो पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ नृत्य करती होगी, और मेरी कैसी कुबुद्धि हो गई है कि मैं प्रसन्न हो रहा हूँ कि ये एक साधारण स्त्री वो भी वेश्या मेरे उस पर नृत्य कर रही है, और जगन्नाथ जी ने नृत्य करने छोड़ दिया, मेरे को अक्ल नहीं आई कि मेरा कितना पतन हो गया, और आज भी रथ यात्रा है और मुझे होश ही नहीं है, मैं इस स्त्री के साथ रह रहा हूँ। वो उसको छोड़ के जगन्नाथ जी से प्रार्थना करने लगे कि जगन्नाथ जी आपके दास से गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कर देना, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, मेरी इतनी वर्षों की सेवा है, आप इतना मेरे से प्रसन्न होते थे, ऐसे मेरे से रूठ मत जाना कि मुझे अंदर मत घुसने देना, मुझे बुलाना नहीं, प्लीज़ मेरे को दर्शन देना और फिर मेरे से वैसे ही प्रसन्न हो जाना। ऐसे जगन्नाथ जी की प्रार्थना करते हुए वहाँ जा रहे, जो ही जगन्नाथ जी के, अब तो रथ यात्रा है, आज रथ पे बैठे हैं, अब रथ पे तो कोई आदेश लेने की जरूरत नहीं है, मगर ये पुराने दास थे, सब जानते थे इनको, तो बलराम दास जी को तो सारे जानते थे, ऐसे तो कोई भी आए दर्शन करे रथ में। बलराम दास जी जब आए तो पुजारी जी ने हाथ पकड़ के वैसे ही पीछे कर, भैया तू साइड रह। क्या हो गया भाई, रथ यात्रा है, बोले तू पीछे रह, तू जा वो वेश्या के साथ ही रह, वहीं उनको प्रसन्न कर बेटा, जगन्नाथ जी तेरे से कोई प्रसन्न होने वाले नहीं है, अब तेरी ज़रूरत नहीं है, तू चल तू चल। अब ये उदास हो गए कि जगन्नाथ जी मेरे से इतना क्या रुष्ट हो गए भाई, मंदिर की बात अलग है, अब तो रथ में भी मेरे को नहीं प्रवेश मिल रहा है, ये नहीं कर रहा, और उनको वहीं से पका दिया। तो ये निराश होके गए समुद्र के किनारे बोले बैठे, तो वहीं समुद्र के किनारे क्षमा मांगते मांगते इन्होंने बालू से ही, वहाँ समुद्र के किनारे बालू से ही रथ बनाया, बालू से ही जगन्नाथ जी बनाए, और जगन्नाथ जी को उन रथ पे बिठा के, बालू के ही जो रथ पे बिठा के जगन्नाथ जी को, और वहीं उनके लिए राग गाने लगे। बोले कोई बात नहीं, ठीक है जगन्नाथ जी, आप मेरी वहाँ नहीं सुनोगे ना, तो कोई बात नहीं, आप में और आपके विग्रह में कोई भेद नहीं है, तो मैं आपके विग्रह में ही यहाँ पे, मैं आज आपकी रथ यात्रा यहीं करूँगा और यहाँ पे आपको राग सुनाऊँगा। अब बोलते बलराम दास जी जब यहाँ राग सुनाने लगे, वहाँ जगन्नाथ जी का रथ रुक गया, वो रथ चल नहीं रहा है। अब सब बड़ा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं चल रहा नहीं चल रहा नहीं चल रहा। सब ने जगन्नाथ जी को फिर आके प्रार्थना करी, जो उनके सेवक थे, कि जगन्नाथ जी आप क्यों नहीं चल रहे हो, क्या हो गया। बोले मेरी रथ यात्रा तुम यहाँ पे कर रहे हो, वहाँ वो बालू का रथ बनाए मेरा रोके बैठा है, जब तक वो रथ नहीं चलेगा, जब तक वो अपना राग नहीं बंद करेगा, मैं कैसे चलूँगा, उसके राग के बिना तो मैं रह नहीं सकता।
उन्होंने बोला वो तो वैश्य के साथ बोले चला गया था, अब वो वापस आ गया, उसको लेके आओ, उसके राग के बिना मैं नहीं रह सकता। सब लोग भागे भागे गए बलराम दास जी के पास, भैया तूने क्या कर दिया यहाँ पे, वहाँ ठाकुर जी का रथ रुक गया है, क्या करा है? बोले मैंने ये बालू का बनाया। बोले तूने ये बालू का बना दिया, वहाँ उनका रथ चल नहीं रहा है, क्योंकि बालू का तो रथ चलेगा नहीं। तो बोले इस रथ को भैया छोड़ दे, तू वहाँ पे चल उनके रथ पे। वो को छोड़ के फिर बलराम दास जी वहाँ रथ पे आए, उनको राग सुनाया, तब जगन्नाथ जी चल पड़े। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो ऐसे नहीं है कि हम लोगों की तरह जल्दी से रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। हम लोग ऐसे बोले बेटा मेरे को छोड़ के गया था ना, अब तू आई हो, हम तो ऐसे बोले। जगन्नाथ जी ऐसे नहीं है, तुरंत मान गए वो उनकी प्रार्थनाओं से, चाहे उनके सेवकों ने हटा दिया, लेकिन सेवकों को भी बोला कि नहीं उसको लेके आओ, उससे एक बार गलती हो गई। और उसके बाद बोलते फिर भी वो राग गाते तो जगन्नाथ जी नृत्य करते बलराम दास जी के राग पे। तो भगवान जगन्नाथ कभी रुष्ट नहीं होते, प्रसन्न रहते हैं हमेशा। और किन किन का वो तो, जैसे जो एक कन्या थी खेतों में गाया करती थी, तो उनका भी सुनने के लिए वो लोग जगन्नाथ जी जो हैं ललायित रहते हैं। गीत गोविंद का एक गीत है, तो वो गीत गोविंद का गीत सुनने के लिए भी जगन्नाथ जी ललायित रहते हैं। तो ऐसे जगन्नाथ जी जो हैं वो सर्व जन की जो प्रार्थना है वो सुनते हैं, और सर्व जन के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। बहुत बहुत लीलाएँ हैं जगन्नाथ जी की। तो खास करके हम लोग जब वहाँ जाते हैं नवद्वीप में, तो वहाँ एक किताब मिलती है जगन्नाथ जी की। क्या जगह है वो? रजापुर में वहाँ किताब है, मेरे पास अभी भी है जगन्नाथ जी की, रजापुर की लीलाएं। वहाँ के भी जगन्नाथ जी बड़ी लीलाएं करते हैं, और ये जगन्नाथ जी भी अनेकों अनेक लीलाएं करते हैं। तो खैर, इस प्रकार से बहुत सारी जगन्नाथ जी, एक वो भी हैं जो सेन, क्या नाम था उनका, भक्तमाल में है ना वो, सेन कसाई, जो सदन कसाई जो है, तो सदन कसाई की भी कथा है। वो भी बलराम इनसे जगन्नाथ जी से ही मिलने आ रहे थे, तो उनके हाथ जब बीच में काट दिए गए थे सदन कसाई के, तो वहाँ आए जगन्नाथ जी को जैसे ही हरी बोल के ऐसे कटे हुए हाथ से ही, वो बड़े सरल भक्त थे, वो बड़े सरल भक्त, सदन कसाई के हाथ कटवा दिए गए। जगन्नाथ जी के दर्शन करने जा रहे थे, झूठा इल्जाम लगा, झूठे इल्जाम से हाथ कट गए, तो भी हाथ कटने के बाद भी वो ऐसे हो रहे हैं, लोगों ने उन्हें उठा के गांव से बाहर फेंक दिया, और जब बाहर फेंका तो बोल रहे हैं जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है, लोगों ने गोदी में उठा के मुझे इतना आधा रास्ता कवर करवा दिया मेरा, हमें चल के आता, समझ रहे हो? उन पे झूठा इल्जाम लगाया है, लोगों ने उठा के उन्हें हाथ काट के बाहर फेंक दिया, और वो जब बाहर फेंक दिया तो कह रहे हैं चलो कितना सारा रास्ता तो जगन्नाथ जी ने गोदी गोदी में कवर करा दिया, अब बाकी मैं थोड़ा चले जाता हूँ। फिर वहाँ जब गए, जगन्नाथ जी को देखा, उनके हाथ काट दिए गए थे। जगन्नाथ जी को देख रहे, ओए अब समझ में आई मेरा हाथ क्यों कटाया, मेरे ठाकुर के ही हाथ नहीं है तो मेरे हाथ कैसे रहते, अच्छा मुझे अपने जैसा बना दिया, ये सही किया जगन्नाथ जी आपने, ना आपके हाथ ना मेरे हाथ, ऐसे कह के जोर से ओंकार करी तो उनके हाथ आ गए। जो हाथ आ गए तो भी भगवान से कह रहे, अरे क्या जरूरत थी, हम दोनों एक जैसे रहते, मेरे हाथ देने की क्या जरूरत थी, ऐसे। तो ऐसे सदन गसाई जो है ये भी जगन्नाथ जी के भक्त है, बहुत जयदेव गोस्वामी है वो हैं, ये माधवदास जी भी जगन्नाथ जी के भक्त हैं, बहुतों बहुत जगन्नाथ जी के भक्त हैं। तो अभी अब खैर, अब गौर लीला में महाप्रभु फिर ब्रज भाव से जगन्नाथ जी को लेके जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां बनाई हैं, 7 पार्टियां बन गई हैं, अलग अलग ग्रुप बन गए जो संकीर्तन करेंगे, तो इसके बारे में विस्तार से फिर अब अगली बार चर्चा करेंगे। जय राम।